بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم खवातीन और हजरात, मैं अनवार खान यूसुफ़ज़ई, मेरी साथी मेज़बान सुंदर सलीम खुश आमदीद कहते हैं इश्क सयाम में। नाज़रीन मोहतरम, आज की शब जो कि 28वें हमने इफ्तार के 28वें रोज़े की और 29वें रोज़े की सहर की तरफ हम गामजन हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब हम गामजन हैं तो ये जो शब है, जो इख्तिताम अपने रमज़ान का बता रही है, अलविदा कर रही है रमज़ान को ये शब, और दिल में गिरिया हो रहा है कि ये हमने रमज़ान को गुजार दिया, जो तकद्दो हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके से हमें रब को राज़ी करना चाहिए था, शायद वो राज़ी हुआ भी या नहीं हुआ, हमारे जो आमाल हैं वो बेहतरीन की बेहतर से बेहतरीन की तरफ जानेब आए या नहीं आए, ये इसी हवाले से नाज़रीन मोहतरम हमने सोच व फ़िक्र के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। और हम क्यों नहीं ये सोचें, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला इसी दौरान इन्हीं अय्याम में जब 28वीं शब 29वीं शब आती थी तो ज़ारो कतार रोने लग जाते थे और कहते थे वो ईद तो वो मनाए ना जिसको पता हो कि उसके गुनाह धुल गए, रब उससे राज़ी हो गया, मग़फ़िरत हो गई है, ईद तो उसके लिए है कि जिससे उसका रब और उसका रसूल राज़ी हो गया, हमें क्या पता कि हमारा रब हमसे राज़ी हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल अनवार, लेकिन अभी भी ये मौके हमारे लिए मौजूद हैं कि हम जितना ज़्यादा चाहें रबुल इज़्ज़त की दी हुई इनायात से फ़ायदा उठा सकें। आज भी 29वीं शब है, एक ताक रात है, इबादत की रात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादतों को जो है वो बढ़ा लीजिए, क्या पता कि ये वही शब हो जिसमें मेरी और आपकी मग़फ़िरत लिखी हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिला तवक्कुफ़ में हमारे जो मेहमान, जो हम हमारे, मैं कहूँ कि इनकी इस्तेकामत की लोग मिसालें देते हैं, ये लोग जो हमारे पास पहले रोज़े से आज तक बिल्कुल कंटिन्यूसली के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के साथ कभी भी इनके चेहरे से, इनकी ज़बान से, इनकी गुफ्तगू से या इनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें कोई थकावट महसूस कोई प्रोग्राम के लिए जज्बे के साथ और जज्बे हमारी भी एनर्जी को बूस्ट करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ ऐसे हमारे प्लेयर्स ऐसे रहे कि जब भी अगर हम किसी भी तरीके से पीछे की जानिब गामजन हुए, इन्होंने आगे ला के हमें बिठाया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे, बहुत प्यार है, अच्छे आलिम दीन, जिम्मेदार आलिम दीन, उम्मत मुस्लिमा की खैरखाई के लिए कोशा रहते हैं, आप माशरे की इसलाह के लिए कोशा रहते हैं, फिक्र रखते हैं इस माशरे के लिए, मिल्लत के लिए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब अल्लामा अतीकुर्रहमान ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, देखें पहले रोज़े से स्टार्ट किया था, आज हम 29वें रोज़े पे आ गए, और हम यहाँ पर सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी की भी दाद देंगे और काबिल तहसीन पेश करेंगे कि जिस तरीके से आपने इश्क सयाम के प्लेटफॉर्म से और यहाँ के जज्बे ईमानी को जिस तरीके से लोगों के अंदर उजागर किया, इसकी आपको इस दुनिया में भी सलाम मिलेगा और तो शायद आखिरत के लिए तो क्या कहना। जज़ाकअल्लाह। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे साथ हमेशा ही मौजूद होते हैं हमारे बहुत ही प्यारे पैनलिस्ट, आईटी एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटर हैं, गूगल सर्टिफाइड हैं, 100+ अवार्ड्स आपने जीते हैं, उसके अलावा माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और बेशुमार आपकी ऐसी खसूसियात हैं जो हम वक्तन फवक्तन आपके साथ जो है वो हम आपको बताते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा ही हमारे बहुत प्यारे भाई जनाब अदनान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, कैसे रमजान गुजर रहे हैं आप बताएं, आप एनर्जी का क्या हाल है? पहले दिन जैसी एनर्जी है, बेहतरीन, अच्छा माशाल्लाह। हमने इस्तकबाल रमज़ान किया था नाज़रीन मोहतरम, ये इख्तिताम रमज़ान है, ये रमज़ान का जब इख्तिताम हो रहा है तो उसके हवाले से इस्तकबाल रमज़ान में भी हमारे साथ हमारे बाजू की तरह जुड़े हुए थे और आप लोगों की खैरखाई के लिए
सिर्फ ललाहियत के लिए जुड़े हुए थे जनाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, शख्सियत बहुत प्यारी, सुन्नत पे बेहतरीन तरीके से मजबूती के साथ जुड़े रहने वाली शख्सियत और सुन्नत का प्रचार करने वाली शख्सियत, उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने वाली शख्सियत, आप हाफिज़ कुरान भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसके साथ साथ एक बेहतरीन गाइडर भी हैं और लोगों के साथ इखलास से मिलते हैं, बहुत ही प्यारे अच्छे जनाब हाफिज अरशद रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। जनाब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? आज हजरत जब पहला इस्तकबाल रमज़ान था तो मैंने देखा था आपकी नज़रें पूरी नहीं आती थी मेरे पास, आज अख्तिताम रमज़ान में आपकी नज़र शरीफ ही मेरे तरफ घूम रही है पूरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी हुस्न नज़र भी है। हमारे साथ आज एक मुख्तलिफ मेहमान मौजूद है। मेहमान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर जो हमारे नाजरीन हैं वो हमारे बाद वाले सेगमेंट में उन्हें देखा करते हैं यूथ के हवाले से, तो हमारे वो मेज़बान हुए। बिल्कुल हमारे शो के में हमारे साथ हैं और हमेशा ही हमारे साथ हैं, तो माशाल्लाह बनो यूथ की आवाज़ से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है और बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो मेरे तो को-होस्ट भी रहे, तो मेरा तो वैसे आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक है। जी जी, बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह रमजान गुजरा। आपका रमजान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। हाँ, और आपने बहुत अच्छे अंदाज में ये सेगमेंट किया और इस सेगमेंट से नाजरीन को, हमारे देखने वालों को दीन और आखरत के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला और मसाइल सीखने को मिला। आपने भी बहुत अच्छा काम किया और बेहतरीन काम किया और इस रमजान में आपने जितनी तकदो की है उसके आपकी सेहत से भी नजर माशाल्लाह आता है कि आपकी तकदो कितनी रही है। यूथ के हवाले से लोगों को बहुत अच्छा आप लोग गाइड करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत बेहतर अंदाज में हमारा सेगमेंट चला है। आगे अब ये प्रोग्राम चलेगा तो फिर हम उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। सबसे अच्छी बात है नाज़रीन मोहतरम, हमने लिल्लाहियत के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनूदगी के लिए हमने इस प्रोग्राम को किया और इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ हमने सबसे अव्वलिन तरजीह ये रखी कि जी हमारे नाज़रीन जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनके उनको कोई इस्तेफादा हो, उनकी ज़ाती ज़िंदगी कोई बेहतर हो, ज़हनी नशोनुमा हो, उनके घर में कोई बेहतर माहौल पैदा हो, हमारी वजह से, हमारे यहाँ बैठने की वजह से, हमारी तहकीक की वजह से, हमारी इल्मियत की वजह से, फिक्र की वजह से और हमारी रिसर्च जितनी भी है किसी भी हवाले से उस वजह से आपको इस्तेफादा हो, ये हमारी कोशिश थी। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग भी करती हैं, आप एंकर भी हैं, उसके साथ साथ आप दीगर उलूम में भी महारत रखने की कोशिश कर रही हैं और आर्टिस्ट भी हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके तारुफात हैं जिसमें से एक यह तारुफ है कि इन्होंने मेज़बानी की है इश्क सयाम की और बहुत अच्छी और बेहतर और अहसन अंदाज से मेज़बानी की है। जनाब अंबर ज़ुबैर, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम बिला तवक्कुफ़ में बढ़ूँगा हमारे बहुत अच्छे जनाब अल्लामा हज़रत क़िबला काबा जनाब अतीक रहमान ज़िया साहब के पास और ये पूछने की जसारत करूँगा। हज़रत एक इस्तकबाल रमज़ान था, ये इख्तिताम रमज़ान है, अब इख्तिताम के मरहल में आवाम के लिए क्या बात कहना चाहेंगे और अपना क्या तजुर्बा पेश करना चाहेंगे? ये 29 दिन तक आना, फिर इस कंसिस्टेंसी के साथ लोगों के साथ, फिर तरावी के साथ ये प्रोग्राम के साथ, फिर अपनी जो निजी ज़िंदगी को भी टाइम देना, इस किस तरीके से मैनेज करिए ज़रा आपके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद तस्लीमन कसीरन कसीरा। एक तो ये था कि इस्तकबाल रमज़ान में हम सब ने शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह और इसी तरह चलता रहा रमज़ान और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि इख्तिताम रमज़ान की तरफ गामजन है और जैसे कि आपने कहा कि आज भी 29वीं शब है और चूँकि अब ईद का समय है तो मज़दूर जो है वो सुबह से लेकर शाम तक मज़दूरी करता है और मज़दूरी करने के बाद शाम में उसे ये खुशी महसूस होती है कि आज अभी जो है इस वक्त मुझे मज़दूरी का सिला मिलेगा और उस सिले को लेकर मैं अपने घर वापस जाऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि यकम रमज़ान मुबारक से लेकर अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल चांद नज़र आ जाएगा अल्लाह के करम से, तो 29 रोज़े होते हैं या फिर बहरहाल 30 होते हैं, तो ये मज़दूर ने जब मज़दूरी की है, रमज़ान के रोज़े रखे हैं, तरावी है, इबादात हैं, हम उस तरह उस अंदाज़ से तो नहीं कर सकते लेकिन जितनी हिम्मत जितनी कोशिश हैज़ इंसानियत हमने की, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला उस कोशिश को, उस काविशों को कबूल फरमाएंगे। और ये जो टाइम चल रहा है ना, ये मज़दूरी लेने का टाइम चल रहा है।
अब एक शख्स है, वो शाम को मजदूरी लेते वक्त जब वो वापस चला जाए तो सब उसे कहेंगे भाई पागल आदमी, सुबह से लेकर शाम तक तुमने मजदूरी की, किस लिए की? ताकि तुम मजदूरी से फ़ायदा हासिल कर सको, तुम्हें मजदूरी मिल जाए। अब जब मजदूरी मिलने का वक्त आया है तुम जा रहे हो, तो भी आई नहीं। यही काम हमारे साथ होता है कि पूरा रमज़ान हम रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, लेकिन जब मजदूरी लेने का वक्त अल्लाह से आता है, बख्शिश लेने का वक्त आता है, तो हम बाज़ारों का रुख कर लेते हैं और अपना जो खसूसी मखसूस वक्त होता है जो अल्लाह को देना होता है वो हम बर्बाद कर देते हैं। इसी वजह से लैलतुल जायज़ा करार दिया जाता है कि ये जो रातें होती हैं ना आखिरी अय्याम की, ये लैलतुल जायज़ा हैं। अपना मुहासबा करें, अपना जायज़ा करें कि आया कि आपने क्या खोया क्या पाया। इबादत में खलल तो रहेगा लाजमी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम उन जैसे अमाल नहीं कर सकते जैसे सहाबा इकराम ने किए। तो उस खलल को पुर करने के लिए जो ये वक्त है ना, इस वक्त को गनीमत जानें और खूब अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब करें, गुनाहों को छोड़ें और अपनी ज़िंदगी को जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ईद एक खुशी के लिए दी है ना, उस खुशी को अपने साथ इस अंदाज से मुंसलिक करें कि आप अल्लाह के हुजूर अल्लाह की खुशनूदी और रज़ा के साथ हासिल करें। दूसरा ये है कि इस ईद में अपने उन लोगों को भी ना भूलें जो आपसे छोटे हैं, ठीक है ना, उनकी भी कहीं ना कहीं आप हेल्प करें। ये ईद ईद जो है आप जो है अहले गजा और फलस्तीन के नाम करें। अच्छा। क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि पूरा रमजान उन बेचारों ने जिन हालात में गुजारा, वो देखें हम तो जुबान से कह रहे हैं ना, लेकिन महसूसात जो हैं वो उन्हीं की हैं। वो वक्त अगर आप देखें, वो एहसास करें कि छोटे यानी कि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे, आज ये वक्त है कि ईद के दिन वो भी सोच रहे होंगे कि कोई हमें ईदी देने वाला हो, हम भी अच्छे कपड़े पहने। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ वो ये शौक़ रखती हैं कि हम भी जो है वो चूड़ियाँ पहने, हम भी अच्छी फ्रॉक पहने, हम भी अच्छी तरीके से तैयार हों। उनमें से वो बच्चे बच्चियाँ भी होंगी जो तैयार होकर सबसे पहले अपने बाबा को दिखाती होंगी कि बाबा जान मैं कैसी लग रही हूँ, बाबा जान मैं कैसा लग रहा हूँ। लेकिन वो वक्त है कि आज जब वो जिस तरह भी अंदाज से तैयार होंगे, लेकिन उनके बाबा जान इस दुनिया में नहीं होंगे, वो अल्लाह तबारक तआला की तरफ जा चुके होंगे। बहरहाल हमें उम्मत मुस्लिमा के उन मजलूम मुसलमानों को कतान नहीं भूलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग तो यहाँ जो है वो खुशियाँ मना रहे हों, अल्लाह की नाराज़गी भी इख्तियार कर रहे हों और हमारी खुशियों को देख कर वो लोग बेचारे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज, और बिल्कुल अगर इंसानियत का जज्बा रखने वाला हर शख्स इस बात के बारे में सोचे तो अपनी खुशियों में से चंद खुशियां उनके साथ भी बांट ले। बिल्कुल, और बांटने से तो खुशियां बढ़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन मोहतरम, हमारे पास जो शख्सियत बैठी हुई हैं जनाब हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब, मैं उनसे पूछने की जसारत करूँगा। हाफिज़ साहब, इस वक्त जो कि हम इख्तिताम रमज़ान में बैठे हुए हैं और 29 रोज़े हमने गुजार दिए, 29वीं शब लग गई, 28 रोज़े गुजार दिए, ये भी गुजर ही जाएगी, तो ये आपके लिए ये रमज़ान मुख्तलिफ रहे दीगर रमज़ान से, और फिर इश्क सयाम में आप पहले रोज़े से लेकर आज तक मौजूद थे, कितनी परेशानी का सामना हुआ और फिर उसके साथ साथ क्या जज्बा था, क्या जज्बा मानी? रब ज़िदनी इल्मा व यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिल खैर, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दता मिन लिसानी व यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह ताला का फजल, बहुत ही एहसान अनवर साहब, अंबर साहिबा और दीगर तमाम अहबाब, सुंदस तमाम ही यहाँ पे हमारे ये सेट के तकरीबन लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ कभी मेज़बानी और दीगर फ़राइज़ अंजाम देते रहे। तो अल्लाह ताला का बेहद फजल रहा कि उसके फजल के बगैर तो मुमकिन नहीं था कि इस 30 अयाम में हम यहाँ पे पहुँचते और यहाँ अपनी गुफ्तगू को तकबील करते हैं। और बेशक कि अल्लाह पाक हमारी नीयतों के साथ है। अब हम में से जिसकी जो भी नीयत रही है, अगर कोई इस्लाह उम्मत की नीयत से आया है, कोई इस नीयत से आया, कुछ खैर की बात कर लें, कुछ अच्छी चीज़ें डिलीवर कर दें, जिस इल्म से इस्तफादा किया है दोस्तों को इस्तफादा करा दें, तो इंशाल्लाह हम अपनी अपनी नीयतों के अदबार से इसका समर पाएंगे। अभी हम चूँकि इख्तिताम रमज़ान की तरफ जा रहे हैं और ये लैलतुल जायज़ा यानी कि ईदैन की रात की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ईदैन की रात के हवाले से एक रिवायत हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह तआला से, जो आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से किया, कि ये जो रमज़ान की रातें हैं, इसके लैल व नहार हैं, इसके रुकू सजूद हैं, इसकी इबादत है, फरमाया जो इसको करेगा, जो इन रातों को इबादत करता होगा, अल्लाह से मांगता होगा, अल्लाह के बारगाह में
तलब करता होगा तो फरमाया कि उस दिन उसका दिल मरेगा नहीं जिस दिन लोगों का दिल मर जाएगा। अल्लाह पाक ऐसा इनाम अता फरमाएगा। तो ये अभी जो हमारा सामना है लैलतुल जायज़ा से, उस जायज़े की रात में हम अपना जायज़ा लें, अपना मुहासबा करें और अपने आमाल को अपना मुहासबा करें। फरमाया कि अपने आखिरत के लम्हे भर की फ़िक्र 100 साल की इबादत से बेहतर है। तो इबादत तो हमने कर लिया अल्लाह ताला की तौफीक से, जो अल्लाह पाक ने करवा लिया, लेकिन अब जायज़ा लें, अपना मुहासबा करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें और अपने वो जो कोताहियाँ हो गई हैं उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगें और जो अल्लाह की रहमत से हम करने में कामयाब हो गए उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ। कि जैसे कि शुरू में ही हमारे अनवार भाई ने बात कही कि हमारे असलाफ का तरीका ये था कि वो रोते थे, ईदैन में भी रोते थे। हाँ। तो कहा कि क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी जो ईद की नमाजें रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिया? तो कहा सरकार पता नहीं चला। यतीम गुरबा और मसाकीन को साथ लेके ईद की नमाज पढ़ने जाते थे। जी 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 जी, अभी मैं इस पर भी आता हूँ। तो कहा कि तुम्हें पता चल गया कि चीज़ें कबूल हो गई? कहा क्यों मुस्कुरा रहे? कुछ लोगों को मुस्कुराते हुए देखा गया। एक बुजुर्ग ने इस कॉल को नकल किया, कहा कि मुस्कुराने की बात क्या है, अगर अल्लाह ने कबूल करने का तुम्हें यकीन है तो शुक्रगुजारी में लग जाओ और अगर कबूल होने का यकीन नहीं है तो अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हो जाओ। अब इन दिनों में सिला रहमी की क्या गुंजाइश है? क्योंकि ईद हमें एक सबक देता है कि हम अपने अतराफ में अपने लोगों को देखें, सिला रहमी करें। रिश्तेदारों से जो कतः ताल्लुक़ करने वाला शख्स है उसके बारे में हमने रिवायत पहले भी बयान की कि वो उसको उसके लिए ये वईद है कि अल्लाह पाक उसका केस जेरे इल्तवा कर देगा। जो लोगों से रिश्ते तोड़ता होगा तो जो रूठे हुए उनसे उनको मना लें और जो लोग बिलखसूस जो यतीमों की बात जो अनवार साहब ने की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि यतीमों की किफालत करने वाला शख्स कल बरोज़ क़यामत ऐसा होगा, जन्नत मेरे साथ यूँ होगा जैसे मेरी दो उंगली, तो फरमाया यूँ मुझसे मिला हुआ होगा। मतलब उसकी बरकत, उसकी आलम का उसका क्या आलम होगा? हम तो जिंदगी भर अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह हुजूर का पड़ोस अता फरमा, तो हुजूर का पड़ोस ने हुजूर कहना है कि यतीमों की किफालत करने वाला यूँ होगा। तो अल्लाह पाक से ये मांगने की रात है, जायजा इसका एहतराम करें। ईदैन को भी हुजूर ने खुद भी तो यतीमों की किफालत की। हाफिज साहब, आपने जिक्र भी किया कि हुजूर ने तो हमेशा यतीम और गुरबा मसाकीन के साथ ईद के दौरान और इख्तिताम रमज़ान में उनके घर पे जाते थे, देखते थे कि ईद के कपड़े बने या नहीं, गरीब घरानों पे जाके देखते थे कि कल ईद के लिए क्या सामान है उनके पास, ईद कैसी गुजरेगी। ये तो तरीकाकार रहा है हुजूर पाक का। और मैं तो बिला ताखिर ये पढ़ने की कोशिश करूँगा और मेरा विजदान कह रहा है कि मैं ये पढ़ूँ कि एक हिंदू शायर है सरोश, उसने क्या लिखा है सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस, एक पल में मुस्तफा को अर्श पे बुलवा लिया, अपने बंदे की खुदा ने खुदा को ऐसी याद आई के बस, और गिनते 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 थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमीन पे इतने शहदाई के बस, देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस। और उन फरिश्तों, सरोज शायर है, हिंदू है, अगर हिंदू है मगर क्या कह रहा है कि मैं जब कब्र में गया और फरिश्ते आए सवाल करने के लिए, हमारा मकसद भी तो यही है ना इसके संयाम का, कि उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था, ए सरोज रफतन मेरे सरहाने से सदाई के बस। हमारे साथ होते हैं, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। पूरा रमजान कैसा रहा, इस इश्के सयाम का सफर कैसा रहा और किस तरह आप अपनी सारी मसरूफियात के साथ इसको मैनेज करते रहे? क्योंकि हमें मालूम है, जाहिर हम आपको पर्सनली जानते हैं और हमारे यहाँ पर मौजूद होते हुए भी हम देखते हैं कि काफी सारी मजीद दूसरी कंपनीज ने भी आपसे राब्ता किया, तो कैसे अपने टाइम को आपने आपका हल्का अहबाब भी इतना वसी तर है, उसके अलावा फिर आप सोशल भी हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के तो आप समझें कि डॉक्टर हैं सोशल मीडिया के, और इसके हवाले से भी बहुत सारे मसाइल रहते होंगे। अब इसके सयाम के चलते चलते ही काफी लोगों ने इनसे राब्ता किया और वो चाहते थे कि इनकी एडवर्टीजमेंट करें, और क्यों नहीं करेंगे, काबिल तरीन शख्सियत। मैं तो अपील करता हूँ कि हुकूमत की तरफ से और हुकूमत सिंध और वफाक की तरफ से आपको तमगा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की काबिल तरह हकीकत बात है ये कि जिस तरीके काबिल हौसला अफजाई नौजवानों की होगी तो नाजरीन मोहतरम ये हमारे मुल्क का असासा है, मुल्क का असासा है, मुल्क का असासा बढ़ेगा तो ये मुल्क बढ़ेगा। किस तरीके से रमजान गुजरा, इस्तकबाले रमजान, इख्तिताम रमजान, इसके दरमियान का गुजारना क्या जज्बा था, क्या शौक था, क्या हिम्मत थी? बहुत बहुत शुक्रिया सुनना,
आप डिजर्व करते हैं। अच्छा देखें, मैं थोड़ा सा ना आज के प्रोग्राम थोड़ा फ्रेंडली अनवर में बात करूँ, क्योंकि ज़ाहिर अख्ताम है रमज़ान की तरफ हम जा रहे हैं। अनवर, मैंने ये जो प्रोग्राम करा ना, तो इससे पहले तो ज़ाहिर बात है हमारी मसरूफियात थी, रमज़ान में तो आपको पता है ईद के मामला और अखराजात, और ज़ाहिर बात है हमारा जो दीन है वो हमें कहता है कि अपने साथ दूसरों को भी लेके चलें साथ। तो हर इंसान ज़ाहिर बात है इस तरह के काम कर रहा होता है, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन आप लोग यकीन जानें कि इस पूरे रमज़ान, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, मैंने बिल्कुल भी काम नहीं करा। अच्छा। मैंने सिर्फ और सिर्फ यकीन करें इबादत समझ के मैंने यहाँ बैठ के रमज़ान ट्रांसमिशन में लोगों की कोशिश करी कि उनकी रहनुमाई कर सकूँ अपने साथ से, जितनी मुझे इल्म है, जितनी मुझे तालीम है, जितनी मेरी मालूमात है। और मुझे इससे ये फ़ायदा भी हुआ संदेश के, कुछ ऐसे सवाल भी आए जो मुझे नहीं मालूम थे, तो उससे ये हुआ कि मेरी और इस तालीम और में इजाफा हो गया, और मैंने ज़ाहिर बात है उसके लिए देखा चीज़ें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम घर जाते हैं तो हमारी फैमिली होती है। मैं बिल्कुल तहे दिल से आपको बता रहा हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली मेंबर हैं और हैं हमारे, और रमज़ान तो जा रहे हैं, ये तो बात कर महीना तो है, लेकिन यकीन करें ये फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं 30 दिन इतना कंसिस्टेंट किसी प्रोग्राम को मैंने कभी किया नहीं, और ज़ाहिर बात है इतने लोगों के साथ हम लोग जुड़े नहीं, और एक उनसियत हो गई, एक मोहब्बत हो गई। मैं तो यहाँ बैठ के जब अभी बातें चल रही थी तो मैं ये सोच रहा था यार शायद कल और मज़ीद हम लोग यहाँ पर आएँ तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो ज़ाहिर है रबते तो ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह, रबते रहेंगे और बहुत सारे, लेकिन एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिला, खुसूस मुझे तो बहुत कुछ मिला सीखने को, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी पब्लिक को बहुत कुछ सीखने को मिला जी। उनकी महफिल में गनीमत है, जिधर बैठ गए खाइधर बैठ गए खाउधर बैठ गए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और खुसूस ख़ास तौर पर मैं अल्लामा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा इस बात का कि हम ना ज़ाहिर बात है काम मसरूफियात के ओ लेवल इन मामला में रहते हुए ना दीन से थोड़े से, तो इसी बहाने मुझे ये जो 28 दिन मुझे मिले ये मुझे दीन के करीब लाने में इनका बड़ा किरदार अदा रहा। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर तैमूर बैठे हुए हैं, एक छोटा भाई मुझे मिल गया, ये हमारे बराबर में बहन बैठी हुई है हमारी, ये भी हमारी छोटी बहन है, आप तो हैं ही हमारी छोटी बहन, ये आप मेरे भाई हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। रमज़ान का महीना तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन आपसे कहना चाहूँगा, ऑन एयर हम लोग, अगर मेरी कोई बात कोई ऐसी बात गुजरी हो आप लोगों के पास तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। दानस्ता खैर दानस्ता को भी बहुत बहुत अच्छी बात है। 28 रमज़ान में 28 हमने टॉपिक पर बात करी, आज हमारा शायद 28वां रोज़ है, कल 29वां शुरू हो जाएगा। तो आज हमने बोला चले आज अपने कुछ अपने तौर पर बात कर लें, गुफ्तगु कर लें, बाकी ये कि मैं अच्छा देखें अदनान साहब ये ना अता वहीं से होती है, उस दर से, इस जगह पे बैठ के उसका जिक्र किसने करना है ये भी लिख दिया जाता है कि खुश नसीबों को इज़्ज़त मिलता है। कि आप जैसे होता है इंसान की तबीयत मिजाज हर किसी का अलग होता है, वो जाता है नहीं है, कोई चीज़ बुरी लग गई, मुझे बुरी लग गई, आपको बुरी लग गई, इनको बुरी लग गई, किसी को भी लग गई, मगर ये हुजूर की तरफ से एक तवज्जो होती है ना कि ये लोग बैठ के मेरे उशाक जिक्र करें, मेरा दीन का जिक्र ये लोग करें, इनको चुन लिया गया, ये काम मैं इससे लूंगा, ये भी ऊपर से आता है तो हमारे दिल में आई बात और हमारे दिमाग में आई और हम बैठे हैं। बिल्कुल जरिया बनते हैं, जरिए जो बना वो बना यूथ की आवाज़, और बिल्कुल बिल्कुल गुलाम मुईउद्दीन बने जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद करते हैं, ये तो आप जैसे भाइयों की मोहब्बत, चीज़ें तो हमें थी ना लेकिन हमें ये मौका नहीं मिला। हम सबकी मेहनत आपके सामने है नाज़रीन मोहतरम स्क्रीन पर, और हम सबकी मेहनत को यकजा कर ली जाए तो एक शख्स जो कि इस बैक टू दी कैमरा काम कर रहा है वो है गुलाम मुहिद्दीन, जिसने हर मुमकिन कोशिश की बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और इखलास के साथ कि जी ये नशरियात जो कि दीन के नाम पर हो रही है उसका तकद्दस बेहतरीन तरीके से कायम रहे, और उसके लिए इसने हर मुमकिन कोशिश की, और मिलेगा इस दुनिया में भी समर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा अल्लाह पाक इस दुनिया में भी, कि अल्लाह पाक किसी का रखता नहीं है एहसान, बिल्कुल ऐसी अल्लाह के लिए, अगर अल्लाह की ज़ात के लिए किसी ने लाहियत के लिए भी काम किया है खालिसतन अल्लाह ताला उसको 100 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न देता है, बिल्कुल ऐसे ही। एक बात करना चाहूँगा, मुझे करना नहीं चाहिए गुलाम मुईउद्दीन चाहत, मैंने उनको ये देखा इस प्रोग्राम के अंदर, मैंने उनको बिहाइंड द कैमरा मैंने उनको रोते भी देखा है, उनकी आंखों में आंसू, जाहिर बात है प्रोग्राम की ऐसी रातें भी आई जिसको अंदर इंसान अपनों को याद करता है। और आपने पूरे 28 दिन अगर मेरी ट्रांसमिशन देखी, मैंने एक दफ़ा भी शेयर या किसी किस्म का अशार नहीं पढ़े, क्योंकि हमारा ये काम डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन मैं एक ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, हम फूलों के सौदागर हैं, सौदा सच्चा करते हैं, जो ग्राहक फूलों जैसा हम अपनी दावत मिल जाते हैं, आंसू तक भी जाते हैं, डेडिकेट करते हैं। बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत साथ था और ये बड़ा यादगार साथ था, ऐसा साथ था
کہ جو ہمیں بھی ہمیشہ تک یاد رہے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں رہے گا انشاءاللہ, یہ ساتھ ایسا ہے کہ جو کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گا انشاءاللہ اسی کام سے. میں آنا چاہوں گا عمبر زبیر جو کہ ہوسٹ بھی ہیں, اس کے علاوہ دیگر ان کی آپ دیکھتے ہیں مصروفیات لوگوں کے لیے, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس کے ساتھ آپ آرٹسٹ بھی ہیں, اس کے علاوہ لوگوں کو بہترین طریقے سے کاؤنسلنگ کرنے میں, لوگوں کو ساتھ دینے میں, پھر اپنے کام سے اس معاشرے کی بہترین کرنے میں, بہتری لانے میں کوشاں رہتی ہیں. ان سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کا بیچ میں آنا ہوا عشق سیام میں, پھر آئیں, پھر گئیں, پھر آئیں, پھر اس طریقے سے, مگر ایک جڑ گئیں آپ ہماری فیملی کے ساتھ, تو اس فیملی کے ساتھ جڑنے میں کیا احساسات, کیا جذبے, اور کس طریقے سے اتنی مصروف والی زندگی میں ٹائم نکال کے یہاں پہ آنا؟ میں نہیں سمجھتا یہ افواہیں. تحریک انصاف کی جو ایک بہت بڑی ایک ٹیم ہے جو انہوں نے کچھ فارمیٹ بھی آپ لوگوں کے سیگمنٹ کا ایسا تھا اپنی جماعت بنائی, انہوں نے جھوٹوں کا ایک گروہ بہت مضبوط بنا دیا جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کا بھی رہا اور بہترین طریقے سے رہا, اور میں آنا چاہوں گا میں تیمور کے پاس, اور یہی پوچھوں گا آپ بھی ان کے کو ہوسٹ رہے, ہوسٹ ہونے کے ناطے آپ نے کس طریقے سے بیلنس کر کے رکھا جو بیلنسنگ ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے انوار, اور ایک خوبصورت ٹرانسمیشن غلام الدین بھائی نے اور بنو یوتھ کی آواز نے یہ سجائی, اور اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم نے یوتھ کو چانس دیا ہے, یہاں پر یوتھ کو موقع فراہم کیے. میں خاص طور پر اس کوشش کے بارے میں بتانا چاہوں گا, حافظ ارشد رفیق صاحب اس میں گائے بگائے ہمارے ساتھ رہے, غلام الدین بھائی تو لیڈ کر رہے تھے چیزوں کو. ہم نے 500 سے زیادہ بچوں کے آڈیشنز کیے, اور پھر ان میں سے ہم نے 50 ایسے بچے سلیکٹ کیے جو یہاں کیمرے کے سامنے آ کر پہلی دفعہ تقریر کر رہے تھے. یہ کہنے میں تو بہت آسان لگ رہا ہے, آپ کو سننے میں بھی بہت آسان لگ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محنت اور بچوں کا جو جذبہ تھا پہلی دفعہ ٹی وی اسکرین پر آ کر تقریر کرنا, وہ یہ خوشی بہت ہی یوں کہیے کہ چمکتے ہوئے ستارے. جی جی, 5 سال کا سندر, 5 سال کا, 5 سال کی بچی ہماری, اس نے ایسی تقریر کی کہ آج تک لوگ اش کر رہے ہیں کہ کیا تقریر تھی وہ. 7 سال کے بچے, 10 سال کے بچے, 13 سال کے بچے, آپ اس سے اندازہ لگائیں بنو یوتھ کی آواز جب ان بچوں کو اس لیول پر چانس دے گا, اور یہ بچے 26-27 سال کے, 30 سال کے ہو جائیں گے, زندگی کے دوسرے مقام پر قدم رکھیں گے, تو وہاں پر جا کر ان کا کانفیڈنس لیول کہاں پہنچے گا, اور ان کی تیمور اکرم جیسے اور انوار خان یوسف صحیح جیسے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, وہ ان سے بہت, ہم سے بہت آگے جائیں گے. میں تو ستارہ کیوں کہوں اپنے آپ کو, اور ماشاء اللہ مہتاب ہے کیونکہ امت رسول ہونے, ان دونوں نے ویسے ہمیں بولنے کا اتنا موقع دیا نہیں. نہیں ہم اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں. نہیں نہیں, آپ لوگوں نے بہت موقع تو آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی موقع کی, آپ لوگوں کی, اور بہت خوبصورت انداز میں ہماری کو اس نے سندر صاحب نے بھی اور امبر آپ نے بھی اس پروگرام کو لے کر چلی, پروگرام کا ٹیمپو, اور پروگرام کی ایک اچھی خاصی آڈینس ہماری ہے جو ہمیں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, نہ صرف پاکستان سے, پاکستان سے باہر بھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو لائیو پاکستان, ہمیں بہت میسیجز آئے ہیں کہ آپ کی ٹرانسمیشن اچھی ہے, آپ کی ٹرانسمیشن سے سیکھنے کا موقع ملا ہے. پھر ہم نے نعت روزانہ 20 تقریباً, ایک ایوریج اگر آپ لے لیں تو 18 سے 20 نئے نعت خواں جو یہاں پر اس چینل پہ بیٹھ کر, جن کو کبھی پہلے ٹی وی پر نعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا, ان کو بنو یوتھ کی آواز نے, غلام الدین نے موقع فراہم کیا. تو یہ ٹرانسمیشن عشق سیام ہو یا سحر رمضان ہو, یہ ٹرانسمیشن اپنے آپ میں ہی کمال تھی. ماشاءاللہ, آپ بھی اپنے آپ میں کمال ہیں, اور آپ تو کمال است ہیں. میں آؤں گا عمبر زبیر کے پاس. اچھا, آپ کی آواز چونکہ ہمارے کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھی آئی بھی نہیں, تو اس حوالے سے ذرا سا آپ بتائیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کا جس طریقے کا سفر رہا اس فیملی کے ساتھ بنو یوتھ کی آواز کے بعد عشق سیام میں ہمارے پینل کے ساتھ, کس طریقے کا رہا, کیا جذبہ تھا, اور کس چیز نے آپ کو پیچھے سے امفیسائز کیا کہ جی آنا ہے, پروگرام کرنا ہے اور میزبانی کرنی ہے اتنی بہترین انداز میں؟ اچھا, مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ انسپائر کیا انوار, وہ تھا کہ یوتھ کا ٹیلنٹ. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یوتھ میں ٹیلنٹ تو بہت ہے, لیکن انہیں پلیٹفارم نہیں دیا جاتا, اور اگر پلیٹفارم دیا جاتا ہے تو کوئی نہ ایسی کوئی شرط رکھ دی جاتی ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یوتھ پیچھے ہو جاتی ہے. ہمیں
सबको पता है कि रोज़गार नहीं है, कितनी मुश्किलात का हमने सामना करना पड़ रहा होता है, बट मैं समझती हूँ इश्क़ सयाम वो प्लेटफॉर्म रहा जिसने किसी बिना जो है मुनाफे के यूथ को आगे किया। उसमें चाहे डिबेटर्स हों, नात खुआ हो, छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चों को हमने मौका दिया, वो आए, उन्होंने जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश किया और एक उनके साथ एक एक्सपीरियंस यहाँ से गया कि वो बिल्कुल उनके लिए नया पोर्टफोलियो बना, बिल्कुल आकर बोल सकते हैं, उनकी एक मेमोरी में हमेशा से कुछ रहे ना रहे, लेकिन मैं समझती हूँ कि इश्क सयाम जरूर रह जाए। बिल्कुल इश्के सयाम और इश्के सयाम अलामा साहब ने चांद किरण की बात की थी, आज सुना है चांद किरण भी है, तो इसकी हकीकत क्या है? बहुत मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है वो हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। चांद किरण नहीं है, सूरज किरण है आज। सूरज किरण है, हाँ। चांद किरण तो ये मुझे कह रहा था। नहीं, नहीं, चांद किरण नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि चांद छुपा हुआ है आज। अच्छा, कहाँ छुपा हुआ है? हजरत आपकी रोशनियों से तो वो बिल्कुल उभर के आ गया, के पीछे छुपा हुआ है, इश्क सयाम के अंदर बैठा हुआ है, सयाम वो चूंकि जाहिर नहीं हो रहा ना, छुपा हुआ है, तो इस वजह से आज जो है वो सूरज किरण है। और सूरज किरण हमारे पाकिस्तान में तो इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि रात है आज, और उन ममालिक में जरूर नजर आ रहा होगा जिन ममालिक में आज सुबह है। और आपने एक सवाल भी पूछा था कि सूरज ग्रहण के हवाले से सोशल मीडिया वगैरह में बहुत अजीब और गरीब किस्म की चीज़ें, तो इत्तेफाक़ ये है कि हम जो है ना वो बजाते खुद इन डरावनी चीज़ों से ना बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हम खुद डरना शुरू हो जाएं, तो कई मैसेजेस आ जाते हैं कि वाकई ये हकीकत है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे घर में भी बात हो रही थी कि 8:40 के बाद कुछ खाना, हाँ, कुछ खाना यानी कि 4 घंटे भूखा मर जाए बंदा, ठीक है ना। और इसी तरह वो खवातीन जो यानी कि प्रेगनेंट होती हैं उनके हवाले से अजीब और गरीब किस्म की तोहमात हैं, जी लेटे रहें, उठना नहीं है, 4-5-6 घंटे कौन बेचारी वो औरत, उसने पानी पीना हो तो वो उठ के पानी पिएगी, अजीब तोहमात किस्म की हमारे यहाँ जो है फैलाई जा रही है। कुछ नहीं है भाई, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाता है कि थोड़े वक्त के लिए मैं इसे बेनूर कर सकता हूँ, तो मैं वो खुदा हूँ जो हमेशा के लिए भी इसे बेनूर कर सकता हूँ। तो लिहाजा इस चीज़ को बादशाह कर दे, बादशाह को गदा कर दे, इंजॉय मत करो, बल्कि इस चीज़ में इसे देख के अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ पहचानो, और अल्लाह तबारक व तआला की जो कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने अनगिनत निशानियाँ रखी हैं उन्हें पहचान के अल्लाह तबारक तआला के साथ जुड़े रहो और मगफरत तलब करते रहो। बहुत ही अच्छा, ये इश्क सयाम की यही खूबसूरती है ना कि यहाँ से लोगों को वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं जो पहले से मिस परसेप्शन वो बना के बैठे हुए हैं। हाफिज साहब आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा, पूछूंगा, ये इश्क सयाम जरा ये तो हमारे ऑडियंस को समझाएं। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि जी इश्क सयाम क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्या इससे खदोखाल है, क्या से आपको सब आगे जरा इस हवाले से बताएं। सही है, बिस्मिल्लाह। इश्क सयाम, अब इसमें इश्क का तो मतलब समझते हैं, इश्क पूरा एक प्रोसेस है। जब हम इश्क इख्तियार करते हैं तो पहले उल्फत से बात शुरू होती है, उल्फत से कहीं तकाज़े मोहब्बत, और मोहब्बत जो है वो इश्क की तरफ मुंतकिल होती है। नहीं नहीं, मोहब्बत वाली बात तो क्लियर हो गई, अब मैं आगे सयाम क्लियर हुई है हजरत, उल्फत से। जी जी, इश्क की बाजी वो लड़े जो सर की बाजी लड़ सके, इश्क बाजी वो करे जो जान की बाजी दे सके। माशाल्लाह, नहीं हो तो आपकी शेर और शायरी में भी आपके अंदर मुझे एक जॉन एलिया छुपा हुआ नजर आता है बिल्कुल। माशाल्लाह, आपने उल्फत की बात की, मुझे शेर याद आ गया कि उल्फत भरी निगाह से देखा ना कीजिए, ना हक किसी गरीब को यूं रुसवा ना कीजिए। और सयाम पे आ जाए हजरत जी, तो इश्क अपने अंदर एक समंदर रखता है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और इश्क यूँ ही नहीं हो जाता है, इसके पहले तकाजे होते हैं, उन तकाजों के बाद इश्क होता है, ठीक है। अच्छा, इश्क जब किसी चीज़ से हो जाए तो इंसान उसमें महव और मुस्तगरक हो जाता है। मैंने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना सिर्फ महव हो, मुस्तगरक मुस्तगरक हो जाए, उसके अंदर गर्क हो जाए। फिर हम कहते हैं अब सयाम, अब वो सयाम क्या है? वो ये रमज़ान है, वो ये रोज़े हैं जिस पर अल्लाह ताला ने हमसे वादे कर रखे हैं, जिसका इनाम हमें कहा है कि वो तुम नहीं देखते कि जब मजदूर को मजदूरी देता हूँ तो उसे क्या कुछ अल्लाह ने। तो जो इश्क करेगा वो आप यूँ समझ लें कि वो अल्लाह ताला की उस ख़ास रज़ा को, उस ख़ास नस्बत को, अल्लाह ताला की उस ख़ास वादे को पा लेगा। ये इश्क सयाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इश्क। आपकी गुफ्तगू से भी हमें इतना इश्क हो गया है, और आपके अंदाज से भी, और अंदाज से अंदाज तकल्लुम से भी इतना इश्क हो गया है जो हमारे सीनों में पेवस्त हो गया है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं बढ़ूंगा अंबर जुबैर के पास, बनो यूथ की आवाज के हवाले से कि आप किस तरीके से बात ले रहे हैं। बिल्कुल आऊंगा आपके पास। अच्छा, बनो यूथ के हवाले से किस तरीके से आपका
बॉन्डिंग रही, फिर उसके बाद बड़ो यूथ की आवाज़ इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पे आना, उसके रूह रवान जनाब मैं तो कहता हूँ मुतवल्ली गुलाम मुहीद्दीन साहब, उनसे किस तरीके से ताल्लुक, क्या कहना चाहेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन की और इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम किया है तो इसके हवाले से क्या आपकी ख्याल? अच्छा, रही बात बनो यूथ की आवाज़ के फाउंडर गुलाम मुहीद्दीन साहब हैं, बहुत अच्छा मेरा अब तक का एक्सपीरियंस उनके साथ ओवरऑल रहा है। और एक चीज़ मुझे जो उनकी अच्छी लगती है, मैं ये सोचती हूँ कि वो जो गुलाम भाई हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो कभी अपना नहीं सोचते, कभी अपना फ़ायदा नहीं देखते, वो हमेशा सामने वाले का देख रहे होते हैं कि अगर इसमें कोई टैलेंट है तो इसको मैं आगे लेकर आऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं, अगर हम अपनी मिसाल दें तो सुंदस बहुत अच्छी होस्ट हैं, आज उन्हें ये सीट प्रोवाइड की, अनवार हैं आज उन्हें ये सीट प्रोवाइड की, मैं तैमूर, हमें सबको मतलब हमारे अंदर टैलेंट है, लेकिन उसे लेकर कौन आया है? बनो यूथ की आवाज़, जिसके पीछे पूरे जो रूह रवा हैं गुलाम मुहीद्दीन साहब। और मैं भी चाहूँगी कि इस तरीके के लोग हमारे माशरे में होने चाहिए, यानी कि हमारे माशरे में बहुत सारे गुलाम मुहीद्दीन होने चाहिए ताकि हमें वो आगे कर सके, हमारे टैलेंट को वो आगे कर सके। मैं तो कहता हूँ हर सूबे में एक गुलाम मुहीद्दीन होना चाहिए। क्या बात करती है, हर सूबे में एक गुलाम मुहीद्दीन हो तो फिर ये जो नौजवान जो तबका जो हमारा टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा और काम करते हुए सामने आएगा। और भी अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी को नेगलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई आपकी इंस्पायरेशन होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि गुलाम भाई की जो है क्या इंस्पायरेशन रही, वो किससे इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने हम सबको एक यहाँ पर लाकर बिठाया और एक फैमिली बना दी। अदनान शेख साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, इश्क सयाम की बात हो रही थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक आईटी से है तो मेरा अंदाज गुफ्तगू कुछ और है, अंदाज बयां कुछ और है, मेरा तरीकाकार अलग है, तो मैं अपने अंदाज बयान में इसके बयान करूँगा। देखें, जब जैसे इन्होंने कहा था कि जब कोई मज़दूर मेहनत करता है तो उसको एक सिला मिलता है, तो आज मैं समझता हूँ कि आज सिला ये है हमारा कि आज गूगल को और यूट्यूब को भी इश्क सयाम हो गया है, उससे भी इश्क हो गया है। आज आप जाके इश्क सयाम लिखें, आपको देखेंगे किसी भी प्रोग्राम का नाम लिख लें, आपको बहुत सारे और दूसरे प्रोग्रामों से मुनासबत रखते वाले प्रोग्राम भी नज़र आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखें, मैं तो सोच रहा था आपको यही लाइव दिखा दूँगा, इश्क सयाम लिखने के बाद हमारी पूरी की पूरी जो एक से लेके 28 तक 27 तक के जो प्रोग्राम हैं वो कंसिस्टेंट नीचे पड़े हैं। इसकी रीज़न सिर्फ ये कि हमने जो मुख्तलिफ कैटेगरीज पर बात करी है उसमें लिंक बिल्ड किया है, हमने उसमें बुक मार्क किया है, उसकी वजह से वो पूरे के पूरे प्रोग्राम एक्सप्लोइट हुए हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत का सिला हम समझते हैं, हमने जो नेक नियति से काम करा आज वो यहाँ पर मौजूद है, और हमारी मेहनत, हमारे आने का मकसद भी तो था ना, हम पूरी टीम की मेहनत, बैक टू द कैमरामैन की भी मेहनत, इसके रूह रवा जनाब गुलाम मुहीद्दीन की भी मेहनत, फिर उसके साथ एमसीआर पीसीआर, फिर उसके साथ जितने भी इसके हेड्स हैं उन सब की मेहनत, मालकान की मेहनत, हम सब की एक पूरी मेहनत जमा हुई है। प्रोग्राम तो बहुत सारे चल रहे हैं, प्रोग्राम और अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो नाज़रीन मोहतरम, हम क्योंकि कंटेंट, फिर चीज़ें, फिर रिसर्च, किताब पढ़ना, फिर वेबसाइट सर्च करना, फिर और भी दीगर चीज़ों पर उलमा इकराम से गुफ्तगू करना, इसमें हम मशगूल रहते थे, मगर अदनान शेख साहब वो थे, अदनान शेख साहब वो शख्सियत थे जिनसे मैं पूछता था कि जनाब क्या है, क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से लोगों के क्या फीडबैक्स हैं, लोग क्या कहना, तो अदनान साहब बताते नहीं नहीं जनाब बेहतरीन काम चल रहा है और लोग सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक होता है कि हम लोग ना किसी के मुताले बयान करते हैं कि इनके इतनी कॉलें आ रही हैं, शायद इतना इनको बिजनेस मिल रहा है, मैं यहाँ नाम भी ले सकता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमें रब्ता किया, उसके अंदर हनफिया फूड है, फैजान अकबर साहब हैं, मून स्टेट वाले हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है वो खान ब्रादर्स हैं, इसके अलावा हमारे खुद ऑलरेडी इसके अंदर जो स्पॉन्सर्स हैं 3-4 वो भी हमसे रब्ता करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना हमने इबादत के तरह से काम किया और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिला देख के बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ये तमाम टीम वर्क का एक मेहनत है जो कि हम समझते हैं रंग लेकर, और हमारी पहली ट्रांसमिशन थी तो मैं समझता हूँ इसको बनो यूथ की आवाज़ को एक बार फिर हम समझते हैं कि मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत कुछ एक्सप्लोर किया होगा, और जो गुलाम मुहीद्दीन ने जो सोच के इसको लेके चले थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पहले ही प्रोग्राम में अपनी पहली ट्रांसमिशन के अंदर वो तमाम अचीवमेंट हासिल कर ली। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ तो अल्लामा साहब सोच होती है, इंसान की नीयत होती है, सोच होती है, वरना तो पूरा जिस्म जो है वो गोश्त खाल और हड्डियों पे मुश्तमिल हुआ हुआ है और उसके अलावा और उसी पे ही ढांचा बंधा हुआ है उसका, मगर जो सोच होती है वो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, इंसान की शख्सियत भी इसी तरीके से पता चलती है। ये जो नीयत थी गुलाम मुहीद्दीन साहब की और उनके साथ और भी लोग जितने जुड़े हुए हैं कि इस प्रोग्राम को करने के लिए, वो एक सोच और नीयत ही है जिसकी वजह से अल्लाह भी राजी हो जाएगा और दुनिया, अल्लाह राजी होगा तो दुनिया भी राजी हो जाएगी। आपने गोश्त पोस्ट की बात करी थी तो मैं बताऊं कि गुलाम मुहीद्दीन की जो शख्सियत है उस शख्सियत को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहा हूँ और ये अचानक है, ठीक है, फिलबदी है। बिल्कुल,
वो फिल बदी क्या है जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा समझा पाया कि जाहिर में वो लोहा है जो कभी हार नहीं मानता, बातिन में वो चांदी है जिसके अंदर हर आदमी और हर चीज का एहसास है, और हकीकत में वो हीरा है। क्या बात है, अचानक से आया, बिल्कुल। और ये दिल से निकलती है तो असर रखती है, कण नहीं ताकते परवास मगर रखती है। पूरा जो है ना वो ले रहा था आपसे। नहीं, आपकी आंखों से भी तो असर मिला ना इनको, बिल्कुल। मतलब ये बात तो बिल्कुल हकीकत, इसमें दो राय कोई है नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जिन साहब की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम ये बात कहें तो बिल्कुल बिल्कुल हक बजानेब है, ये अटल बात है। क्योंकि थोड़ी हर इंसान के अंदर कुछ खामियां होती हैं, जज्बात होते हैं, जज्बातियत होती है, हर चीज़ होती है, कुछ हो सकता है। मगर जो हकीकत में जो उसका रुख होता है वो पता चलता है जब वो खुशी में हो या गम में हो, तब उसका रुख पता चल रहा होता है। और जो आपने बात बताई कि माशाल्लाह हम भी इसकी तायद करते हैं, जनाब हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब, जनाब आपको कोई बात बुरी लगी हो इस प्रोग्राम में, मैं आपके चाहने वाले मुझे तंग करते रहेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि मैंने पहले रोजे से लेकर अब तक हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब के साथ जो गुफ्तगू की है, और जो हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब के साथ अगर अजराए मजाक अजराए तफन्नुन मैंने कोई बात कही है किसी भी हवाले से, तो मैं पहले ही माजरत खाऊं जनाब से। और आगे किस तरीके से अनवार भाई, हमारे आप मेरे छोटे भाइयों की तरह भी हैं, और अल्लाह पाक आपके इल्म अमल में इजाफा करे, और बहुत अच्छे अंदाज से हम एक फैमिली की तरह चलते रहें, तो सारी बातें इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से हुई। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अल्लामा साहब की बात को सेकंड करूँगा, कि वाकई इस इन तमाम फैमिलीज़ को जोड़ने में वला मुहिद्दीन भाई का बहुत ज़बरदस्त किरदार है। और अदनान भाई की एक बात को जोड़ूँगा कि इतने सार रमूज देखें, हमने आँखों में नमी भी देखी, वो मामला भी देखे हैं, चीज़ों को टैकल करना भी देखा, तो मैं रिफॉर्म हो गया। मैं कहता हूँ कि वो मैंने पहले भी कहा था, अंदाज़ा कभी भी किसी से करना हो, अंदाजे से किनारे से कभी अंदाज़ा है तूफ़ान नहीं होता, अंदाज़ा है तूफ़ान करना है तो लहरों में उतर कर। क्या बात। तो यकीनन हमने जब करीब आकर चीज़ों को देखा है तो बहुत मुख्तलिफ है, तो कभी किसी से सुनकर किसी शख्सियत के बारे में अंदाज़ा ना लगाएं, बल्कि उसके करीब जाएं, उसको महसूस करें, उसे सुने, उसे देखें, फिर आपको सही आइडिया हो जाएगा। लोग बोलते होंगे यार ये क्या बात है, एक शख्स को इतना डिस्कस करते हैं, कोई तो बात होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम आकर देखो भाई, सही तो आके देखो हमारी महफिल में तुम्हें किस किस तरीके के फूल नजर आएंगे। और माशाल्लाह आप तो हमारे फूल, आप तो हमारे पास ऐसा गुलदस्ता खुद ऐसा है कि जिसमें से ऐसी खुशबू निकल रही है हाफिज साहब, जो हमारे हमारे बिल्कुल दिलों को और हमारे दिमाग को मनावर, सफेद गुलाब है, और उनके साथ गुलाब, सफेद गुलाब के साथ लाल गुलाब भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अब बिल्कुल अनवार, हम चाहेंगे कि हम अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करें। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब आपका शुक्रिया, तैमूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंबर आपके भी मशहूर हैं कि आप तशरीफ़ लेकर आईं, और आपका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि आपके साथ जो मेरा इस पूरे ट्रांसमिशन में एक बॉन्ड रहा है। बहुत सारे लोग आपके तवस्सुस से मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग मेरे तवस्सुस से आपको जानते हैं, और अनवार आपका भी शुक्रिया क्योंकि अगर आपका साथ नहीं होता तो इतनी अच्छी कामयाब ट्रांसमिशन मैं शायद नहीं कर पाती। आप तो कर लेती हैं, आप तो वन मैन ऑल हैं, आप दोनों का वन आर्मी हैं, आप तो आप नाथ का अच्छी बॉन्डिंग आप लोगों की रही माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ शुक्रिया हम जो अदा करेंगे वो अल सैयद रियल इस्टेट डेवलपर्स एंड बिल्डर्स वालों का, जो कि हमारे पास बेहतरीन स्पॉन्सर हैं, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उनके साथ साथ एम्स डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, जो कि 20,000 रुपये महाना पे लोगों को रिहाइश, लोगों को रहने की सहूलत दे रहा है, और उन लोगों को सहूलत दे रहा है जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास बेसरो सामान बेआसरा है, उनको दे रहा है ये एम्स डेवलपर्स एंड बिल्डर्स 20,000 रुपये महाना पे। और भी हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं, गिफ्ट गिविंग पार्टनर्स हैं। और अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन मोहतरम, इश्क़ सयाम के ये जो आखिरी मराहिल में हम आ गए हैं और अख्तितामी मराहिल में, हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये सांसों ने अगर हमसे वफ़ा की, और सांसों में वही रवानी और जोलानी रही, और सांसों ने हमारे साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ के हमें इसका सिला दिया, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर मिलने के साथ आपसे और नए मौजूआत के साथ और नए मसले मसाइल माशरे की और उसके हल की तरफ गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखेगा नाज़रीन मोहतरम, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला।
हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं मानता सबको हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, और मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। शुरुआत उसी वादहू ला शरीक के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में हम सबकी जान है, यकीनन वो बड़ा मेहरबान है, जिसकी ज़ात सबसे अजीम है, वो बड़ा गफूर रहीम है। खुदा के बाद जो मरतबा है वो सल्ले अला का है। सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, आप पर, आपके अहले बैत और असहाब पर। सभी समातों को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखे जाने वाली इस ट्रांसमिशन जिसका नाम है इश्के सयाम, और आज इस ट्रांसमिशन की एक और ज़बरदस्त नशस्त कि जब हम 28वें रोज़ों को कंप्लीट करते हुए 29वीं रोज़े की तरफ गामजन हैं, और इस ज़मन में यकीनन मैं यानी सैयद मोहम्मद उवैस रहमान और मेरे साथी होस्ट तैमूर अकरम आप सबके दरमियान हाजिर खिदमत हैं। आज की ये एक और नशरियात हम सब के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि अब यकीनन रमज़ान मुबारक हमसे बहुत दूर जा रहा है, और यकीनन इन रमज़ान की दूर जाती हुई समातों को हम कोशिश करेंगे कि अपनी मज़ीद जो है वो सवाब कमा सकें, इसके अंदर रहमतें बरकतें समेटने के बाद। आज वो लम्हा है हमारे पास कि जब हम तीसरे अशरे के बिल्कुल आखिर में मौजूद हैं, जहाँ पर हम जहन्नम से आज़ादी हासिल करने के लिए अपने रब के बहुजूर सजदा रेज़ हैं, और अपनी तमाम तर गुनाहों को जो है वो माफ़ी करने के हवाले से तलबगार हैं। तो यकीनन इस ज़मन में आज की ये महफिल सजी है, और इस महफिल में भी हम गुफ्तगू करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से, और इसके साथ साथ यकीनन इस महफिल के अंदर जो ख़ास बात है वो ख़ास लोग जो पूरे रमज़ान पूरे 28 रोज़े आपके साथ साथ रहे, मेरी मुराद हमारे पैनलिस्ट से, हमारे होस्ट से, और हमारे बहुत से ऐसे स्कॉलर्स थे जो पूरे 28 दिन आपके साथ रहे, और इनफैक्ट 30वें दिन भी आपके साथ ही रहेंगे। तो आज मौका है कि आज उन सब लोगों का आपसे तारुफ कराया जाए, उन सब लोगों को आपसे मिलवाया जाए। तो यकीनन उन तमाम लोगों को मिलवाने के लिए हमारे साथ तैमूर अकरम मौजूद हैं, उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया अवेस। और नाज़रीन मोहतरम के लिए ख़ास मौका इसलिए है कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम के होस्ट जो इश्के सयाम के भी होस्ट हैं और शहर रमज़ान में के भी होस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और आज हमारे नाज़रीन को अदर साइड ऑफ द होस्ट भी जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा अंबर ज़ुबैर साहिबा, मेरी साथी होस्ट हैं, और गाए बगाए हम एक साथ नाज़रीन हमें देखते रहे हैं, और वो सेगमेंट भी बड़ा पसंद किया है नाज़रीन ने, और उसके साथ हरदिस अजीज होस्ट सुंदर अली साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बखैर है। रमजान कैसा गुजरा आपका? बहुत जबरदस्त, और आप लोगों के साथ ही गुजरा है तो और भी अच्छा गुजरा। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। और आपके साथ अनवार खान यूसुफ ज़ही साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई, कैसे हैं आप? कैसा एक्सपीरियंस रहा ये पूरे रमजान? बनो यूथ की आवाज़, पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़, इस ट्रांसमिशन को सजाया आपने और बहुत खूबसूरत अंदाज में लेकर चले। सजाया क्या, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं, सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, और दर दर पे ये सर झुकाया नहीं जाता, हर एक को इन महफिल में बुलाया नहीं जाता, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, एक को इस महफिल में बुलाया नहीं जाता। बस कि अल्लाह के काम है, अल्लाह ले ले जिससे भी, हम तो इल्लाहियत के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए और एक जज्बा ईमानी के लिए कि जी आज हम इस जगह पे बैठ के उन लोगों को जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कुछ ही बेहतर कर सकें उनकी ज़िंदगी में, उनके लिए कुछ बेहतर अंदाज में काम कर सकें और अपना हिस्सा मिला सकें। कि इकबाल ने कहा था ना, शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से के चराग को जलाते जाएं, तो अपने हिस्से का चराग जलाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। और आपने भी बहुत अच्छी होस्टिंग की, आपको मैंने सुना, आपका जिस तरीके से जज्बातियत के साथ एक मुकर्रर वाला अंदाज, मुकर्रराना अंदाज, फिर उसके साथ जनाब हमारे उवैस भाई वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बोल रहे थे, और बोलने के साथ साथ हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, माशाल्लाह क्या कहना, खूबसूरत। और इसी के साथ अवेस हमारे साथ रेगुलर पैनलिस्ट, आईटी एक्सपर्ट, 100 से ज्यादा इनाम याफ्ता, जिनको 100 से ज्यादा अवार्ड, गोल्ड मेडलिस्ट अदनान शेख साहब, जिनके सेगमेंट को खास तौर पर लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि आप आईटी की तालीम दे रहे हैं, आईटी के बात करते हैं, और लोगों को जो आईटी के हवाले से मसाइल है उस पर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। अदनान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कैसे, आपका रमज़ान कैसा गुजरा, और ख़ास तौर पर इस सेट में इश्के सयाम में आपका रमज़ान कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बड़ी खुशी महसूस हो रही है, और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पहली दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन को इतनी कंसिस्टेंटली हमने
ट्रांसमिशन को किया और 28 रमज़ानों के अंदर हमने 27 रोज़ों के अंदर 27 रमज़ान के अंदर 27 टॉपिक्स पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात करी और इबादत समझ के हमने बस ये काम किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसका बेनिफिट और उसके नुकसान हम बता सकें वो हमने कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी मैंने बताया कि YouTube पे इश्क सयाम अगर प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम तो सभी अच्छे चल रहे हैं लेकिन इश्क सयाम अगर आप देखेंगे गूगल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह YouTube के ऊपर तो कंसिस्टेंट कोई एक ट्रांसमिशन किसी की भी ऐड नहीं है, पूरे के पूरे हमारी ट्रांसमिशन उसके ऊपर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इसी वजह से कि वो कॉन्टेंट बेस है और टॉपिक यूनिक टॉपिक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब यूनिक टॉपिक का इस्तेमाल होता है तभी जाके आपको जो है गूगल रिकमेंड करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेहनत था हम सब की वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका समर हुआ। और अवेस आज की महफिल की खास बात, हमारे इंतहाई खास मेहमान हमारे दिल के करीब और नाज़रीन की पुरजोर फरमाइश पर कि आपको इश्के सयाम में बुलाया जाए, शहर रमज़ान में आपकी एक पहचान, आप होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं शहर रमज़ान में, मेरी मुराद जनाब फराज अली शाहीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तैमूर साहब और अवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत के साथ इनवाइट किया कि मैं, आप यकीन जाने कि इतनी स्पीड से ड्राइव करके आया हूँ कि मैं आपकी चीज़ों पे टाइमली पहुँच सकूँ आपके शो के ऊपर। अच्छा, एक जुमला मैं कहना चाहूँगा, इश्क सयाम जो आपका नाम है जी, जी प्रोग्राम जी, का जी जी, माशाल्लाह हमारे डायरेक्टर हैं ग़ुलाम मोहिद्दीन जी, जी भाई जी, उन्होंने इसका नाम खुद माशाल्लाह खुद रखा। इसका नाम इतना खूबसूरत है कि इश्क अल्लाह है, इश्क रसूल है, ठीक है, फिर इश्क माँ बाप है, फिर इश्क सयाम है। तो ग़ुलाम मोहिद्दीन भाई, आपने जो इस प्रोग्राम का नाम रखा ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं तो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और उसके बाद इश्क जो मैंने किया वो अपने माँ बाप से किया। और जो इश्क सयाम है, अगर आइंदा कभी इश्क हुआ तो गुलाम मुहिद्दीन भाई इंशाल्लाह आपसे होगा और कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। और फराज भाई, मैं ख़ास तौर पर अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ आवेज फराज भाई के बारे में कि आपके वालिद मोहतरम ख़ास तौर पर जिनका नाम ग्रामी सैयद अजहर अली शाहीन है, ये लफ्ज़ शाहीन ऐसे ही नहीं मिला, ये लफ्ज़ शाहीन जनाब ज़ियाउल हक ने ग़ालिबन 80s के दौर में इनके वालिद को एजाजी तौर पर अता किया था। उसके बाद इन्होंने अपने फैमिली में इस नाम को इस्तेमाल करना, चूँकि उसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी। मैं चाहूँगा फराज भाई, आप और ख़ास तौर पर फाउंडर भी हैं शाहीन एक दाना के, तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं और अपने वालिद मोहतरम के बारे में कि ये लफ्ज शाहीन किस तरह से। तैमूर साहब शाहीन, आपने जिया साहब का नाम लिया, इससे पहले तो इकबाल ने भी शाहीन कहा है, ये मुझे तो इकबाल वाले शाहीन नजर आ रहे हैं, किसी ने लकब दिया हो या ना दिया हो, इकबाल के शाहीन ऐसा ही होता है। सर तैमूर भाई, असल में मेरा ताल्लुक एक छोटे से इलाके से है जो मेरे लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मातली। मैं मातली से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ हैदराबाद जी। तो मेरे वालिद जो है वो सामाजिक और सोशल कामों में बहुत एक्टिव थे और इसके अलावा वो वज़ीरे आला सिंध के साबिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं, गवर्नर सिंध के भी एडवाइज़र रह चुके हैं, इसके अलावा सिंध आबादगार एसोसिएशन के वो चेयरमैन थे और मातली प्रेस क्लब के बानी थे। और उनकी जो खिदमात थी वो इतनी थी कि मैंने कभी भी, मुझे जो डर लगता है जी जी जी, वो ऐसे लोगों से लगता है जो अल्लाह के करीब होते हैं। मैं कभी किसी गुंडे से, कभी किसी बदमाश से, कभी किसी ऐसी चीज से नहीं डरा, और डरता उनसे हूँ जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह से लॉ जिनका होता है, जिनका अल्लाह से लॉ होता है। तो नेक आदमियों से मैं समझता हूँ कि हमें डर के भी रहना चाहिए, उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। तो उसमें शुमार मेरे आइडियल जी जी मेरे वालिद जनाब अजहर अली शाहीन साहब थे, और मैं बचपन में उंगली पकड़ के, जैसे आज आजकल आप देखते होंगे ऑफ द रिकॉर्ड के मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, तो मैं उनकी उंगली पकड़ के उनके साथ जाया करता था। और उस दौर में जाया करता था कि आप तो छोटे होंगे, आपको याद नहीं होगा, जब अकबर भुट्टी साहब होते थे और सदर पाकिस्तान इसहाक साहब होते थे, तो मैं हसन जितना था, मेरा छोटा बेटा है, तकरीबन कोई 8-9 साल की मेरी एज थी, तो मैं उनके साथ कोयटा, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से शहरों में अबू के साथ जाया करता था।
और जो भी हमारे दरवाज़े पे आता था, शाहीन साहब ये काम है ये करवा दें, हमारे गांव में बिजली मंजूर करवा दें, हमारे गांव में टेलीफोन मंजूर करवा दें, तो ये मैं सारी चीज़ें बचपन से देखता आया। अबू ने बिजली भी मंजूर करवाई, अबू ने नहरें भी मंजूर करवाई, मातली के अंदर शाहीन नहर है अबू के नाम से, जिसे हम सिंधी में फुलेली कहते हैं। जी जी जी, ठीक है। उर्दू में बेसिकली मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग, लेकिन मैं रहा वहाँ हूँ तो मुझे वहाँ की लैंग्वेज जो है वो अक्सर ज़बान पर रहती है। तो मेरे वालिद मोहतरम मेरे आइडियल रहे, और मैं सारे बच्चों से कहता हूँ जो भी मुझे ऑन एयर देख रहे हैं, बेटा ज़िंदगी में अगर इश्क करना है ना तो कभी लड़की से खातून से मत करना, मोहब्बत बेशक कर लेना बीवी से, इश्क करना तो अपने माँ बाप से करना, और ज़िंदगी आपकी आखरत तक आप कामयाब गुजारोगे। हर कामयाब आदमी के पीछे लोग कहते हैं उसकी बीवी का हाथ है, मैं इसको उलट कहता हूँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे माँ बाप का हाथ है। वो औलाद कभी कामयाब नहीं होती जिससे उसके माँ बाप राजी ना। माँ बाप की पूरी जवानी औलाद के ऊपर लगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पता कि मैं इनके लिए कितनी मेहनत करता हूं। बिल्कुल, और कितनी मेहनत करके, और इसका एहसास उनको उस वक्त होगा जब ये माँ बाप, जब ये माँ बाप बनेंगे। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि अल्लाह से दुआ है कि जब बच्चे माँ बाप बने ना तो उनके माँ बाप हयात हों, तो उनको ये अंदाजा होगा कि उनके माँ बाप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अज़हर अली शाहीन साहब का जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं तस्करा करता हूँ, वो मेरी पहचान है, और उन्हीं की वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें वसीला बनाया जो मैं दुनिया में आया। तो मेरे वालिद मोहतरम का जितना भी तस्करा हो वो कम है। कल जमील राठौर साहब ने भी मेरे नाम से पहले लाइव कॉल में शाहीन साहब का नाम लिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे नाम से पहले उनका नाम आता है। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। नहीं नहीं सर, हम दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे, अभी बहुत गुफ्तगू करनी है जनाब। माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छी बात की, आपके नाम से पहले शाहीन नाम आता है। जमील राठौर साहब भी अपने सिद्दीक राठौर साहब का जितनी इज्जत करते थे, वही बिल्कुल पहलू आपके भी वाले साहब से मुझे नजर आ रहा है, और उनका भी ऐसे ही नजर आ रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूँ फराज साहब के हवाले से, फराज साहब क्योंकि कराची नहीं होते आमतौर पर, हैदराबाद में इनकी रिहाइश है, लेकिन खसूसी तौर पर नाज़रीन इस प्रोग्राम को, सहर रमज़ान के प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए वो कराची मुकीम होते हैं, और आज हमारी खसूसी दावत पर वो इश्क़ सयाम में भी तशरीफ़ लाएँ, ये तो हमारे लिए एज़ाज़ की बात है ही। और मज़ीद मैं इनसे ये पूछूंगा कि किस तरह मैनेज करते हैं फराज साहब जो होस्ट, हम सब भी होस्टिंग कर रहे होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करने से, और आप फिर कराची नहीं हैं और फिर कराची से बाहर से आकर किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं, ज़रा नाज़रीन को बताइएगा, जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में कमेंट्स कर रहे होते हैं आपके प्रोग्राम्स में। अब तैमूर हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी जी जी। वो व्यूवरशिप जो है वो रीच करेगी, हाई के तरफ तक पहुँचेगी, क्योंकि इनके जो व्यूवर्स हैं वो अब इसके श्याम की तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखें उवैस, ज़िंदगी में कोई भी काम करें ना तो आप अपने जहन में एक बात तय कर लें, ये दुनिया जो बनी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनी है, और मैं जो भी काम करता हूँ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में करता हूँ। तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा होता हूँ, कैसे मंजिलें तय हो रही होती हैं, कैसे रास्ते ख़त्म हो रहे होते हैं, और हर जगह टाइमली तैमूर साहब हर जगह टाइम कैसे दे रहा होता हूँ, ये एक सवाल नहीं है। आप अगर मेरे ख़ानदान में मुझे उठा के देखें तो शायद मैं आठवां अजूबा हूँ अपने ख़ानदान में कि इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मींदारी है, मातली के अंदर ज़मीनें हैं, इसके अलावा एक छोटी सी मेडिसिन कंपनी है शाहीन हेल्थ केयर के नाम से। मैं कभी तस्करा नहीं करता, आज पहली दफ़ा मैं तस्करा कर रहा हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे पब्लिसिटी का शौक़ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी कोई चीज़ को उसको स्पॉन्सरशिप पे लेके आऊँ कि यार लोग देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ तस्करा होना चाहिए वो मेरे अल्लाह का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुफ्तगू होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स की गुफ्तगू होनी चाहिए। तो ज़िंदगी इसी का नाम है। आप अपनी ज़िंदगी जो है, देखें एक तो इबादत, आप पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह तब तक राज़ी नहीं हो सकता। हज़रत मैं आपका नाम दोबारा पूछना चाहूँगा, अनवार साहब जी जी, अनवार साहब, अल्लाह तब तक राज़ी नहीं हो सकता जब तक उसका बंदा राज़ी ना हो। तो सबसे पहले हमने उसके बंदे को राज़ी रखना है, हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है, हमने किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमने उसके बंदे को राज़ी करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा। यही ज़िंदगी है, इसी को
मैं एक शेर सुना दूँ, प्रोग्राम तो हमारा ऐसा ही है, लेकिन ये शेर जो है हमारे डायरेक्टर साहब सुन रहे हैं तो ये उनके लिए है कि परवीन शाकिर का एक छोटा सा शेर है जो मुझे कम शायरी करता हूँ कभी कभी याद आ जाता है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, ये गुलाम मोहिद्दीन भाई के लिए, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी। ये हमारे डायरेक्टर साहब के लिए ये शेर है कि दोनों सूरतों में सैयद फराज अकबर शाह आपका है, चाहे आप जीतें चाहे आप हारें, और जिंदगी में कोशिश ये कीजिएगा कि सिवाय जब आप उमरा करके आए मक्के मदीने से आए हज करके आए तो हार पहनिएगा, वरना जिंदगी में कभी हार मत पहनिएगा। ये मेरा जुमला है अपने डायरेक्टर साहब के लिए। सही, बिल्कुल ठीक है। और अब हमें इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है, इंशाल्लाह हम ब्रेक पे चलेंगे और ब्रेक के बाद फिर आएंगे तो सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, साथ रहिएगा इश्क से आम के। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम इश्क सयाम में मैं आपका मेज़बान उवैस रहमान और साथी होस्ट तैमूर अकरम आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, हमारा प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपके लिए हाजिर खिदमत है और अब हमें कुछ नए मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है, हम उनका तारुफ़ करवाएंगे और यकीनन उनकी तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कुछ सवालात और उनके रोज़मर्रा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं जनाब अतीकुर रहमान ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब ने, आप भी रेगुलर पैनलिस्ट हैं हमारे हमारे सेट में इश्क़ सयाम में और बेहतरीन अंदाज में आपको रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर जो है रमज़ान के मसाइल इसके अलावा इस्लामी असलाहत के हवाले से सारी गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके बराबर में जो शख्सियत मौजूद है नाज़रीन, आपने सुना होगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को पशे पुस्त डाल कर दूसरों को आगे करने में अपने जो तमाम तर अपनी एक्टिविटीज़ हैं तमाम तर जो है वो सरगर्मियां हैं वो मसरूफ़ अमल रखते हैं, तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ एक मौजूद हैं, ख़ुद बड़े बेहतरीन नकीब महफिल हैं, मुख्तलिफ़ महफिलों में आप उन्हें सुनते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आप उन्हें ख़ुद भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं, इसके साथ साथ उनके भेजे गए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे जूनियर नातख्वां जो कि उसी चैनल्स में पढ़ते पढ़ते महफिलों में पढ़ते पढ़ते आज एक सीनियर नातख्वां, नातख्वां तो खैर सारे बराबर होते हैं लेकिन मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि गुफ्तगू के लिहाज से लहन के लिहाज से शायरी के लिहाज से जो नातख्वां आज आपको मेन स्ट्रीम पर नज़र आ रहे हैं वो भी उन्हीं की मरहूने मन्नत बहुत से ऐसे नातख्वां हैं। मेरी मुराद जनाब सैयद अली हसन साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सैयद अली हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। बिल्कुल अली साहब, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं दीगर मेहमानों की तरफ जाऊँ तैमूर भाई की तरफ जाऊँ, बेहतरीन अंदाज में कुछ नकाबत करके हमें सुनाएं, आपकी मौजूदगी का जो है हम फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर। चलें बाहर के क्योंकि बेसिकली शोबा नाज से ताल्लुक़ होने की वजह से और आज ईद का खूबसूरत मौका भी है, मौका महल है, एक अशार से कबल एक वाकिया मेरे जहन में है कि हमारी जो ईद है हम लोग ईद मना रहे हैं, इंशाल्लाह भी रमज़ान में ही मौजूद हैं और इंशाल्लाह फिर ईद की भी आपके साथ ट्रांसमिशन के साथ ज़रूर हाजिर रहेंगे, तो आज जो है 28वीं शब हमारे साथ मौजूद है तो इस हवाले से हम चलेंगे, 29वीं शब मौजूद है, 28 रोज़ा हमने जो है वो मुकम्मल कर लिया, 28 रोज़े। तो अली हसन साहब जी, बिल्कुल मैं ये बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास करम और फ़ज़ल के जिसने हमें इमाए सयाम की ख़ास रहमतें बरकतें एक मरतबा फिर अता फरमाई, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हम में मौजूद नहीं है, पिछले साल थे इस साल नहीं है, तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि उनकी मग़फ़रत फरमाए, बिलख़ुसूस हमारे फराज अकबर साहब के वालिद गिरामी। और हकीकत बात यही है कि नेक औलाद वो होती है जो अपने वालदेन के हयात मुबारक में या उनके जाने के बाद उनके लिए कसरत से दुआ करती है तो रब ताला उनको बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है, और जो मरने के बाद दर्जात होते हैं क्योंकि हर इंसान का नामा अमाल मौजूद है तो उसके मकाम पे जाना उसको करना बिल्कुल और वो दर्जात बुलंद होते रहते हैं। तो बाकी आपने अशार के लिए कहा तो मैं
حضرت بیدم شاہ واسی رحمت الزوا کے اشعار آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں متعلق فرماتے ہیں کہ تجھ کو زیبا ہے تیری شان رسول عربی، کہ تجھ کو زیبا ہے تیری شان رسول عربی، کہ تیری الفت میرا ایمان رسول عربی، کہ جان سی چیز بھی بیکار نظر آتی ہے، کہ جان سی چیز بھی بیکار نظر آتی ہے، کہ کیا کروں آپ کے قربان رسول عربی، کہ کیا کروں آپ کے قربان رسول عربی، اور آپ کے مصحف رخ کا جو خیال آتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مظہر اور آپ کی سیرت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات بیگم صاحب نے فرمائی کہ آپ کے مصحف رخ کا جو خیال آتا ہے کہ دیکھ لیتا ہوں میں قرآن رسول عربی، اور امتی اپنا بنا کر جو نوازا تم نے، کہ امتی اپنا بنا کر جو نوازا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان رسول کہ مجمع حشر میں اس شان سے آئے بیگم، کہ مجمع حشر میں اس شان سے آئے بیگم کہ ہاتھ میں ہو تیرا دامان۔ ہمارے ساتھ عدنان صاحب موجود ہیں جو ہمارے ریگولر پینلسٹ بھی رہے ہیں اور آئی ٹی ایکسپرٹ بھی رہے ہیں، آئی ٹی کے حوالے سے تعلیم دیتے رہے ہیں لوگوں کو۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جرنی آپ کی کیسی لگی، غلام محی الدین بھائی کا یہ اقدام کہ جہاں پر ہم دین و آخرت کی فکر کر رہے ہیں وہاں پر ہم اپنے دنیاوی معاملات کو بھی کس طرح سے بہتر کر سکتے، اس میں آپ کا ایک بہت اہم رول رہا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو فرمائیں۔ جی بہت بہت شکریہ، ایک سوال آپ سے کروں گا، جی جی فوری فوری جواب دیجیے، جی 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 مجھے بس تین منٹ کے اندر یا کچھ سیکنڈ میں بھی مجھے بتایا لال کلر کہاں کا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو مجھے قالین میں نظر آ رہا ہے اور دوسرا صوفے میں جھلک آ رہی ہے، ہمارے کپ میں بھی ہے، کپ میں بھی ہمارے۔ مجھے یہ بتائیں جب آپ یہ کلر ریڈ کلر تلاش کر رہے تھے کہ آپ کو یلو نہیں بلو بلیک نظر آیا، تو اسی طریقے سے جب رمضان کا مبارک مہینہ جب آیا تو اس وقت ہم نے ایمانداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ صرف صرف پورے 28 روزوں کے اندر کنسسٹنٹلی ٹاپکس پہ بات کیا، سوشل میڈیا پہ کام کیا، میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام بتایا میں نے کوئی کام کوئی بزنس کچھ بھی کام نہیں کیا فراز بھائی، اچھا تو بس اسی کو نیت نیتی سے کام کیا۔ جو غلام محی الدین ہے جو اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، زیادہ پروگرام کرنے سے پہلے ہماری مشاورت ہوئی، اور کہتے ہیں دوست کے کام تبھی آتے ہیں جب آپ پورے دل سے آئے، تو دل سے تن سے من سے ہر چیز سے ہم یہاں الحمد للہ ان کے لیے حاضر ہیں، اور ہم نے میری کوشش یہ رہی کہ اس کو لوگوں تک سوشل میڈیا کا اویئرنیس لوگوں تک جائے، اور ہم نے ظاہر بات ہے اس سے پہلے میں نے کبھی ٹرانسمیشن پروگراموں میں تو گیا ہوں لیکن 30 روزے میں نے کنسسٹنٹ کبھی نہیں کیے، تو الحمد للہ نے تو توفیق دی کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اور عدنان صاحب لوگوں کو تو صرف یہ ٹرانسمیشن نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جو غلام محی الدین صاحب کا اخلاص ہے، جو ان کی انتھک محنت ہے، نہ انہوں نے دن کو دن دیکھا نہ رات کو رات دیکھی، یہ پوری ٹرانسمیشن پوری بزم سجا دی، بالکل کمال ہے، بالکل۔ دیکھیں یہ تو 30 دن کی بات ہے نا، یہ تو اس سے پہلے تو 2 یا 3 مہینے پہلے سے غلام محی الدین جو ان چیزوں میں لگ رہے تھے، کئی دفعہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہیں، انہوں نے مجھ سے جو سمجھتے تھے ڈسکس کرنا وہ چیزیں ڈسکس کی، جو میں سمجھتا تھا ان کو مشورے دینا وہ میں نے ان کو مشورے بھی دیا، ہم نے مل جل کے چیز کی ظاہر بات ہے یہاں پر بہت سارے ایک ٹیم ورک نظر آیا الحمد للہ، اور اس ٹیم ورک کا ثمر یہ ہے کہ آج الحمد للہ بڑے شان کے ساتھ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اس پہ آؤٹ پٹ دیا، اور اس کو نہیں سر پاکستان کی ایک ون آف دا بیسٹ ٹرانسمیشن ہم لے کر آئے ہیں اپنے ناظرین، جی ہاں بالکل الحمد للہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رمضان ٹرانسمیشن نے ایک فیملی ممبر بہت اچھے دیے، فراز بھائی ہمارے ساتھ ماشاء اللہ سے شامل ہوئے، ہمارے ساتھ جو ہے علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ حافظ ارشد صاحب موجود ہیں، آپ لوگ موجود ہیں، اس کے علاوہ سندس زیدی، سندس علی، انوار صاحب، تو یہ ایک فیملی ممبر بن گئے، اور اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رمضان کے بعد کیا ہوگا کہ ہم کس طرح، نہیں نہیں انشاءاللہ یہ میٹ اپ ویسے ہی رہے گا عدنان صاحب، اور ہمارے ساتھ عتیق الرحمان ضیاء صاحب موجود ہیں۔ سر آپ نے 30 دن لوگوں کو اصلاح امت پہ آپ نے کام کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اختلافی باتوں سے دور رہیں، ان باتوں کا ذکر کریں جو عوام الناس کی بہتری کے لیے، تو آپ کو کیا لگا، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، پہلا ایکسپیرینس آپ کا بھی ٹی وی کا، تو کیسا یہ پورا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا، اوور آل کیسی جرنی رہی ہے 30 دن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جتنے بھی رمضان مبارک کے اکثریت پروگرام دیکھیں نا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، جی
हम खुद भी नेगेटिव सोच रखते हैं और हमें जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ मिलती हैं उसे हम अडॉप्ट करने की कोशिश ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सरियत प्रोग्राम आप देखेंगे वहाँ पे जो दीनी मसाइल बयान किए जा रहे होते हैं उनमें अमूमी तौर पर जो है फिरका परस्ती होती है और रेटिंग की जंग चल रही होती है, जंग चल रही होती है और वो मसाइल जो अवाम उन्नास को जो है वो इस तरीके से आम नहीं करने चाहिए, वो यानी कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को ला कर जो है आपस में लड़वाया जाता है। उस हवाले से अगर मैं बात करूँ इश्क सयाम की, तो मैं समझता हूँ कि वाहिद ये प्रोग्राम है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने इस लिहाज से कबूल फरमाया है कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कि जिससे किसी भी किस्म का मज़हब के अंदर कोई कलंक वाक़ हो। बहुत खूबसूरत, हमारे प्रोग्राम को देखकर कोई ऐसा कहे कि इन्होंने जो है किसी खास मकतब फ़िक्र के हवाले से बात की हो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सिर्फ बात की है तो अल्लाह की है और अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ता उम्र हमें इसी एतदाल पसंदी के साथ रखे और अल्लाह तबारक व तआला इश्क सयाम जो 2024 का है ता क़यामत हमेशा हर साल इश्क सयाम होता रहे। हाँ, बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ हमारे साथ हाफिज अरशद साहब मौजूद हैं। सर, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, ये हमने जो इख्तलाफी बातें नहीं की और हम रेटिंग के एक गंदे धंधे में नहीं पड़े, इसके पीछे एक जहन साजी थी हमारे प्रोड्यूसर जनाब गुलाम मोहिद्दीन साहब की। उन्होंने कहा था कि हमें पूरे इखलास के साथ ये काम करना है, हमें पूरे इखलास के साथ मैसेज लोगों तक पहुँचाना है। तो इसमें लोगों ने आपके अंदाज़ को पसंद किया, लोगों ने आपकी गुफ्तगू को पसंद किया, आपकी ये जर्नी कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैं बात करूँगा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। जी, असल में पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो हमेशा मुस्बत ही काम की तरफ रागिब होते हैं और शुरू से जो उसका मिशन था उस पर गामसन रहा ये प्रोग्राम, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। फराज साहब ने शुरू में जो एक समा बांधा था वालदैन से मुतालिक, मेरे दिमाग से वो बातें असल में रिमूव नहीं हो रही, मैं चाह रहा हूँ कि चंद बातें इस पर ज़रूर कर लूँ। चलते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह पे। आप अल्लाह के बारगाह में कोहितूर पर फासा थे, अल्लाह से हम कलाम थे, कहा या अल्लाह तू मुझे बता दे कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह ने कहा कि ए मूसा तेरा पड़ोसी जो है एक कसाई होगा। कसाई होगा हजरत, बिल्कुल हो, सुभान अल्लाह। ईमान को जिंदा कर देने वाली बात और वालिदैन से इश्क वाली बात जिंदा हो जाती है। जब आप बातें कर रहे थे मैं महव हो गया था इस बात पर कि अल्लाह ने अपने अंबिया को जिससे हम कलाम होता था उसको क्या मकाम दिया। कहा या अल्लाह मैं उससे मिलना भी चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा फला फला कस्बे में फला जगह पर जाऊँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जानना चाहा ऐसा कौन सा अमल था जिसकी बनिस्बत अल्लाह ताला ने एक नबी एक रसूल का पड़ोस अता फरमाया। जब गए तो लोगों से पूछ कर पहुँचने के बाद वहाँ पर उससे मुलाकात की, कहा फला बिन फला तू ही है। कहा जी मैं ही हूँ। कहा जनाब उसके साथ रहने की आमादगी ख्वाहिश जाहिर की, उसने कबूल किया। और शाम को जब वो घर गया तो घर में जब वो खाने का वक्त आया मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूँ, उसने एक टोकरा सा जिंदगी नुमा कुछ साथ रखा खाने के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी इनवाइट किया, ख़ुद भी खाता और साथ साथ एक निवाला लेता और दो निवाले उस टोकरी में डालता। उस दो निवाले उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये खास ऐसा क्या अमल है कि तू एक निवाला खाता है और दो निवाले टोकरी में डालता है। जब वो किसी काम सर आपने पानी तलब किया या दूसरे काम सर उठ कर वो बाहर गए तो आपने देखा कि इस टोकरी में है क्या, तो देखा कि टोकरी हटा कर देखा तो उसमें से दो लोग जो छोटे कद के थे जो बूढ़े मालूम हो रहे थे वो नज़र आए। जब उन्होंने उनको देखा तो वो दो अशखास जो बूढ़े थे उनको तकते हुए जो रूह है कफ़स से उनसे से परवास कर। जब वो वापस वो शख्स आया और अब निवाला खुद लेने के बाद जब दो निवाले उस टोकरी की तरफ डाला तो देखा कि वालदैन का इंतकाल हो चुका है। तो उसने दूसरी लम्हे ये बात कही कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं कहीं। कहा तूने कैसे पहचाना। कहा मेरे वालदैन ये दुआ किया करते थे या अल्लाह तू जब हमें मौत देना तो वक्त के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हुए हमें मौत दे। मेरे बच्चे को मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी का पड़ोस अता फरमाना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनते हुए कहा कि मैं वही वक्त का नबी हूँ।
اور تیری تو نے ایک دعا کی قبولیت تو دیکھ ہی لی کہ تیرے والدین کا انتقال مجھے دیکھتے ہوا، دوسرے کی بات میں تجھے خود سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کل بروز قیامت جنت میں میرا پڑوس تجھے عطا فرمایا۔ یہ والدین کی عظمت ہے۔ اللہ پاک آج کے اس پروگرام کی نسبت سے صرف اس ایک بات کو فضا صاحب کے لے کے چلے جائیں کہ والدین کی عشق تو انشاءاللہ باتیں وصول ہو جائے گی۔ اللہ پاک صحیح معنی میں والدین کی عزت و حرمت قائم رکھ دیں گے۔ اب ہم اس کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے اور آپ کی بات کو حافظ صاحب آگے بڑھاتے ہوئے فضا صاحب کی طرف بھی چلیں گے کہ حضرت معقب بن اجبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبے کے لیے ایک منبر رسول پر جب پہنچے تو انہوں نے جب پہلی سیڑھی چڑھی تو پھر کہا آمین، دوسری سیڑھی جب چڑھی پھر کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پر چڑھے اور پھر کہا آمین تو وہاں موجود صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے کوئی اس طرح انوکھی قسم کی بات کی ہے اور تین دفعہ ایک ساتھ آمین کہیے، کیا وجہ ہے؟ تو وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی ہاں، حضرت جبرائیل میرے سامنے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، تین باتیں انہوں نے کہی اور جب انہوں نے تین باتیں کہیں تو تینوں باتوں پر میں نے آمین کہا۔ پہلی بات انہوں نے کہی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے اندر اپنی زندگی پائے اور وہ مغفرت کروائے بغیر اپنی موت پا لے۔ دوسری بات انہوں نے جب انہوں نے کہا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین۔ دوسری بات انہوں نے کہی، ہلاک ہو جائے وہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ جو آپ کا ذکر تو سنیں لیکن وہاں آپ پر درود نہ بھیجے۔ پھر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور جب تیسری اور اہم بات جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین، چاہے والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے پہ پہنچ جائے اور صرف اس غرض سے وہ شخص جنت میں نہ جا سکے کہ اس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی۔ کیا بات کہی، کیا خوبصورت حدیث کہی۔ تو اس حوالے سے میں چلوں گا فراز صاحب کی طرف، کیونکہ فراز صاحب نے اپنے والد محترم کے نام سے ایک مسجد جو ہے وہ ماتھلی میں بنائی ہے اور دیگر خدمات بھی، جس طرح آپ کو تیمور نے بھی ابتدا میں بتایا، شاہین اقدانہ کے نام سے جو ہے وہ عوام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، سماجی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کا اب تک ان کے اوپر اثر رہا ہے اور اب تک جو ہے وہ خدمت کر ہی رہے ہیں کہ ایک مسجد بھی بنا دی جہاں پر زندگی بھر جو لوگ نماز پڑھیں گے، صدقہ جاریہ والد محترم کے نام سے جائے گا۔ فراز اکبر شاہین صاحب۔ اچھا فراز صاحب، دیکھیے آج کل اولڈ ہاؤسز کا بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے، والدین کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں، مسائل ہیں، آپ اس کی بالکل اس پہ بھی آئیں گے۔ بالکل جی جی، نوجوان لوگ، ہمارے لوگ کس طرف کافی بول، میں اس بات پہ بھی انشاءاللہ آؤں گا۔ پہلے آپ نے جو بات شارٹ کی تھی میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ وہ جو کسائی جو تھا، وہ کسائی جو تھا اس نے اپنا اخلاق ایسا بنایا ہوا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ روزے محشر کے دن وہ تمہارا واحد دوست ہوگا، وہ کسائی، کہ اس کا کوئی دوست نہ ہو اور اس کے راز کوئی معلوم نہ کر سکے۔ تو میں نے اس بات کو کمپلیٹ کی حضرت کی، تو میں اس وجہ سے اس وقت بولا تھا کہ اس نے اپنا اخلاق بد اخلاق بنایا ہوا تھا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں، میرے والد جو تھے اظہر علی شاہین، جنہیں میں آئیڈیل کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا زندگی بھر، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ سیکھنے کے بعد کوشش کی کہ میں وہ عمل زبان سے نہ بتاؤں، جی لوگوں کو کردار سے بتاؤں، اپنے عمل سے بتاؤں۔ کیا بات ہے جی، اب بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ان نمل امال و بنیاد، ان نمل امال و بنیاد، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن عمل کیسے ہوگا اور نیت ٹھیک کیسے ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب آپ کا عمل اچھا ہوگا۔ تو آپ اپنے عمل سے کسی کو قریب کرتے ہیں، اپنے عمل سے کسی کو دور کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد کے لیے سوچا کہ میں ایسا کیا عمل کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، جب اللہ مجھ سے راضی ہوگا تو میرے والد کی مشکل بھی آسان ہوگی اور ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، میرے والد کو بچھڑے ہوئے مجھ سے 2.5 سال ہو گئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے وہ ابھی مجھے چھوڑ کے گئے۔ جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے یا اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جی جی، اور میں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈراما کیا نہ ڈراما پسند کیا۔ جذبات ہیں آپ کے، یہ باندھے کی روح ہے جو عشق ہے، جو عشق، وہ عشق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد میری امی اور والدہ سے۔ تو میں نے کہا میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں، کون سا ایسا عمل ہے جو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنی لالچ، اپنی غرض تھی حضرت، کہ اپنی غرض، اپنی لالچ کے لیے انسان اتنا خود غرض ہے کہ وہ
अपनी गर्ज और अपनी लालच के लिए भी लगा रहता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह इतना गफूर रहीम है। अल्लाह पाक सोचते होंगे ये मेरा बंदा है तो थोड़ा सा शरारती किस्म का, देखो लेकिन कर रहा है मेरे नाम पे नहीं कि मैं इसको बख्श दूं। तो मैंने ये सोचा और सोचने के बाद पहले तो मैंने शाहीन एक दाना प्रोग्राम जी। जो एक चुड़िया घोंसले की तरफ एक एक दाना लेके जाती है, मैं अक्सर बात कर चुका हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मेरे जहन में आया कि मैं मेरी जो औकात और हैसियत है जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, मैं उस एक दाने से शुरू करूं। चुड़िया को देख के सीखा जो अपने बच्चों को घोंसले में लेके जाती थी वो एक दाना पहुँचाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं एक दाना प्रोग्राम उनके नाम से दस्तरखान शुरू करूँ। अल्लाह का शुक्र है जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में वो दस्तरखान चल रहा, फिर भी अंदर से रूह मुतमईन नहीं हुई। मैंने कहा ऐसा क्या करूं, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं तो कैसे करीब हूं, मेरी औकात और हैसियत और अपनी गर्ज, मैं आपको बता रहा हूं किसी की गर्ज नहीं, कोई दिखावा नहीं, अपनी लालच मेरे अल्लाह से कि मेरी वालिद की मगफरत हो जाए जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरी भी मगफरत कबूल फरमा ले, मुझे भी माफ़ कर दे। तो मैंने अज़हर अली शाहीन मस्जिद की बुनियाद रखी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मैं एक बात कह रहा हूँ कि उसकी तामीर में किसी का एक रुपया शामिल नहीं। उसमें मेरे एक दोस्त जबरदस्ती उन्होंने मुझे अपनी जेब से जबरदस्ती 1,000 रुपये, मैंने उन्हें बड़ा मना किया, डॉक्टर मेराज निजामी उनका नाम है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैंने कहा मैं कसम नहीं खा सकता। उन्होंने कहा ये मेरे वालिद के नाम की एक ईंट लगवा दो फराज, ये मेरा ये मुझ पर एहसान कर दो। वो 1,000 रुपये के अलावा उसमें किसी का रुपया शामिल नहीं। और मैं अब जब कसम खाता हूँ तो उसके साथ वो 1,000 रुपये का नाम जरूर लेता हूँ। तो जिंदगी में सच इतना बोलना चाहिए कि आदमी की सच्चाई खुद ब खुद बयान है, उसके अमल से बयान। बहुत खूबसूरत फराज साहब, अमल से हो, किरदार से हो, और यकीनन फराज साहब ये जो आंसू हैं ये अल्लाह किसी किसी को अता करता है, क्योंकि अल्लाह दिल को नरम कर देता है अपनी याद में, सब जाके इंसान के आंसू आते हैं। आंसू आना कोई मामूली बात नहीं है, ईमान वालों की अलामत। हम आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, और आखिरी बात प्लीज प्लीज। तो अज़हर अली शाहीन मस्जिद का इफ्तिताह किया, माशाल्लाह वो 1 साल में कंप्लीट हो गई, उसमें मदरसा भी है, उसमें माशाल्लाह नमाज भी हो रही है, दावत इस्लामी के ज़ेर निगरानी है, और माशाल्लाह दूसरी मस्जिद मैंने जो है वो अपनी वालिद और वालदा के नाम से करके वो हैदराबाद में मनवा रहा हूँ। अज़हर अली शाहीन एंड देखे, अम्मा अब्बा को राजी करने का एक तरीका भी है। मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे, उसका नाम अकबर अली है, वो मेरे दादा का नाम, जिससे मेरे वालिद खुश। मेरा जो छोटा बेटा है मोहम्मद ताहिर हुसैन, वो मेरे नाना का नाम है, इससे मेरी वालिदा खुश। आपने एक और सुन्नत पूरी कर दी, अल्लाह के नबी ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। वाह जी वाह, ये अल्लाह का करम। अच्छा, है ये आखिरी चीज, एक लाइन अज़हर भाई के लिए, फराज भाई के लिए, इनके वालिद मोहतरम के लिए मेरी तरफ से हदीयतन 10 कुरान शरीफ में इनके वालिद साहब को हदिया करता हूं। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया। इख्तितामी लम्हात की तरफ है, इससे पहले मैं आखिरी जुमले आपसे लूँ, सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अल सैयद रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, कि जिनका ताउन रहा है इस पूरी ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में, और खासतौर पर एम्स का, कि जिनका दावा है कि 20,000 पर मंथ में वो हर फैमिली को घर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ना सिर्फ घर प्रोवाइड कर रहे होते हैं बल्कि वो उसकी पोजिशन भी देते हैं कि आप आए अपने घर को तामीर करें और यहां पर रिहाइश इख्तियार करें। हम अली हसन साहब, बनो यूथ की आवाज, और मोहिद्दीन साहब को आपने कैसा पाया, बस चंद जुमलों में आप बता दें। बिल्कुल माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो मैंने गुज़िश्ता ट्रांसमिशन में भी मुबारकबाद का नजराना पेश किया था, और वो जो बात दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो प्लेटफॉर्म रहा प्रोग्राम का आपके, कि जिसने खराफात से हट कर ट्रांसमिशन की ब्रेंटिंग वगैरह के चक्कर, नंबर वन नंबर टू उस चक्कर में नहीं पड़े, खालिसन दीन इस्लाम को फ़रोग दिया, कोशिश की फ़रोग देने की, जो मसाइल थे वो बयान किए, और ख़ास तौर पर जो 500 के करीब कम व बेश नाथख्वा आपने मुतारिफ करवाया, ये एजाज की बात है कि किसी और 500 बच्चे जिन्होंने तकरीरें की है लाइव टीवी में, पहली दफा खड़े पहली दफा माशाल्लाह, ये एजाज की बात है।
तो ये एहसास आपकी ट्रांसमिशन को हुआ। बिल्कुल इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम का अख्तितम करूंगा। वो 500 बच्चे जिनकी ऑडिशन करवाई गई, उसके बाद उनको जो है वो चैनल के ऊपर उनमें से 50 बच्चे सिलेक्ट हुए जो यहाँ पर तकरीरी मुकाबले में जिन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद उनके क्वार्टर फाइनल के मुकाबले हुए, फिर सेमीफाइनल, और उसके बाद देन जब फाइनल हुआ तो वो 6 कंटेस्टेंट यहाँ मौजूद थे और उन 6 के 6 पार्टिसिपेंट में से सब एक से बढ़ के एक थे और फैसला करना जज के लिए था बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इतना बात करके बावजूद यहाँ विनर पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई थी वो खातून, और उन्हें जो है वो बनो यूथ की आवाज़ की जानिब से एक एजाजी शील्ड भी दिया गया और इसके साथ साथ उनके लिए सर्टिफिकेट्स के भी अहतमाम किए गए। तो मैं अब इश्के सयाम के इस प्रोग्राम से आज के लिए जो है वो आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि कल एक और आखिरी जो प्रोग्राम है इश्के सयाम का वो होना है और वही हमारा इख्तितामी प्रोग्राम होगा। तो मैं यहाँ अपने तमाम मेहमानों का, जिनमें अली हसन साहब मौजूद हैं, अरशद रफीक साहब मौजूद हैं, अतीकुर रहमान ज़िया साहब मौजूद हैं, यहाँ हमारे साथ फराज अकबर शाहीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ हमारे साथ अदनान साहब मौजूद रहे, आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। इसी के साथ मुझे यानी सैयद मोहम्मद उवैस रहमान मेरे साथ ही तैमूर अकरम को इजाजत दीजिएगा शेर के साथ के नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।